嗯。<sighs> यस, yes. सो so, नमस्कार 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 मैं व्योमकेश मेहर आप सब लोगों को स्वागत करता हूं अड्डा टू फोर सेवन पे और आज एक शानदार टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो मध्यकालीन भारत और टुडे विल स्टार्ट विद द दिल्ली सल्तनत दिल्ली के सुल्तान के बारे में हम लोग आज बात करेंगे ठीक है और देखो सबसे पहला चीज मैं बताता हूं कि इतिहास जो है आपको दिखता है डिफिकल्ट दिखता है वास्ट इतने सारे हिस्टोरिकल डेट्स हैं राजा रूलर सब रानी या फिर उनके जो कारनामे हैं उसको याद रखना बाकी में आपको लगता है मुश्किल बट ये दरअसल मुश्किल है नहीं इट्स बहुत सिंपल है बस हमें सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है हमें ये पता होना चाहिए कि, कि किस तरीके से पढ़ना है कौन सा चीज़ें पढ़ना है और कौन सा चीजें छोड़ना है ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए अदरवाइज ये बहुत सिंपल है और स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं <coughs> मध्यकालीन भारत में कुछ नहीं है राजा रानी और उनके कहानी यहां पर देखोगे ना हर प्रकार का लव स्टोरी पाया जाएगा आपको जैसे कि होता ना वन साइडेड लव स्टोरी टू साइडेड लव स्टोरी ट्रेंगुलर लव स्टोरी है ना जैसे कि मतलब जैसे कि जोधा अकबर है टू साइडेड लव स्टोरी है अब जैसे कि रजिया सुल्ताना अल्तुनिया, याकूट ट्रेंगुलर लव स्टोरी है अलाउद्दीन खिलजी पदमावध वन साइडेड लव स्टोरी है अलाउद्दीन का समझ लो मतलब उसके बाद भी उसको पदमावध जो है पद्मावती नहीं मिल पाई तो कहने का मतलब है हर प्रकार का जो है मैं बोलता हूँ हमेशा से बोलता हूँ राजा रानी और उनके कहानी ठीक है और बहुत सारे रोमांटिक किस्से हैं बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनोमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपको सुन के आपको मजा आने वाला है आपको ये जो टॉपिक है रोमांचित करेगा बहुत मजा, मजा आने वाला है शानदार टॉपिक आपको मजा आएगा और इतिहास को हम फिर से कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने जिंदा करने के लिए ठीक है जिंदा करेंगे हम इतिहास को फिर से और आप लोग को शानदार तरीके से पढ़ाएंगे स्टोरी के साथ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट आवर द टॉपिक आल टीच इन द्लासेस मेक यू इंस्टेंटली मेमोराइज इन द्वासेस जो भी क्लास में पढ़ाता हूं मैं क्लास में ही याद करवाने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ आई डोंट बिलीव इन टुमारो टुमारो नेवर कम्स कल वाला चीज लाइफ में मेरा आता ही नहीं है पढ़ाई के मामले में ठीक है आई डोंट बिलीव इन टुमारो टुमारो नेवर कम्स जो करना है अभी करना है यहाँ करना है और सेकेंड थिंग व्हाट आवर द टॉपिक आल टीच दैट विल बी मोर देन सफिशियंट फॉर योर प्रम्स एज वेल एज मेन्स प्रलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू सफिशियंट होगा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी वन स्टॉप सॉल्यूशन वैसे भी बता दूं मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा व्यूज में है सबसे ज्यादा मतलब व्यूज हुआ है अब तक इंडियन हिस्ट्री में कोई भी वीडियो है जो है मेरा वीडियो है आप लोगों की प्यार मोहब्बत की वजह से आप अगर टाइप भी कर लो ना केवल मेडिएवल हिस्ट्री यूट्यूब में टाइप भी कर लोगे तो आई एम श्योर सबसे पहले जो है मेरा वीडियोस आएगा सबसे पहले मेरा वीडियोस आएगा करीब uh, करीब जो है टू पॉइंट नाइन मिलियंस हुआ था लास्ट टाइम जब देखा था बहुत जल्द जो है थ्री मिलियंस होने वाला है आप लोग के प्यार मोहब्बत की वजह से और और भी बढ़ता जाएगा ठीक है तो आप देख भी सकते हो और यहां पे आप शुरुआत कर लेते हैं चलिए तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए आप लोग आवाज क्लियर है इट्स ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस सबसे पहले बता दें इट्स ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू ऑल क्लियर है बता दें मुझे सबसे पहले ऑल क्लियर है ऑल क्लियर लिख दो एक बार एक बार ऑल क्लियर लिख दो ताकि मैं समझ जाऊं और उसके बाद मैं शुरुआत करूंगा ऑल क्लियर एक बार लिख दे <coughs> फिर मैं स्टार्ट करता हूं आज का सेशन शानदार सेशन जबरदस्त सेशन आपको मजा आएगा ऑल क्लियर थैंक यू राखी झा एंड सौरभ है ना यस थैंक यू चलिए वेरी गुड बहुत अच्छा चलिए अब शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक ठीक है आज का जो शानदार टॉपिक है टॉपिक इज मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत जिसमें देखो खे दिल्ली सल्तनत अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में और दूसरा जो टॉपिक है मुगल्स क्या है मुगल्स तो दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत पहले मैं डिस्कस करूंगा उसके बाद जो है मैं मुगल्स पे डिस्कस करूंगा डिस्कस अबाउट द मुगल्स ठीक है तो दिल्ली सल्तनत हम पहले रखेंगे दिल्ली सल्तनत को हम्म साउंड तो क्लियर है ठीक है दस मिनट ही छोड़ूंगा अभी ठीक है अभी ठीक है थोड़ा सा पेशेंस अभी ठीक अभी ठीक है मुझे लग रहा है पूरी तरह से है ना अभी जो है पूरी तरह से ठीक है है कि नहीं चलिए ठीक है बच्चों आप जो है लाइन क्लियर है या किसी भी प्रकार थोड़ी देर थोड़ी देर पेशेंस रखिए सब ठीक हो जाएगा चले अब हो गया है ना अब आ गया राइट ऑल क्लियर लिख दें अभी आवाज़ अगर क्लियर है तो ऑल क्लियर लिख दें अब से मैं स्टार्ट कर देता हूँ अब सही है ना ठीक है हाँ यस थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कतें था बट अब जो है नहीं रहेगा ठीक है उम्मीद करते हैं कि ना रहे अब सब जो है ठीक है राइट ऑल क्लियर एक बार लिख दो ऐसे लाइक कर दीजिए लाइक कर दीजिए ताकि मैं समझ जाऊँ कि सब कुछ ठीक चल रहा हो लाइक बटन दबा दीजिए लाइक मैसेज पे कर दीजिए ताकि मैं समझ आऊ कि सबको जो है ठीक चल रहा है लाइक 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 बटन चलिए बहुत अच्छा थैंक यू हाँ तो मैं बात कर रहा था यहां पे देखिए पहले से शुरुआत कर देते हैं कि सबसे पहले जो है स्लेव डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी का मतलब है गुलाम वंश गुलाम और अच्छा उसको गुलाम वंश क्यों कहा गया क्योंकि गुलाम जो है पहली बार जो है शासक बन रहा था एक गुलाम जो है फर्स्ट टाइम जो है शासक बन रहा था इसलिए उसको गुलाम वंश कहा गया जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो फाउंडर थे वो एक गुलाम था किसका गुलाम था मोहम्मद घोरी का गुलाम था तो गुलाम जो है इतिहास में पहली बार शासक बन रहा था इसलिए उसको गुलाम वंश कहा गया और उसी का गुलाम शाम सुद्दीन वो भी जो है शासक बने थे वो भी एक गुलाम थे और एक ग्यासुद्दीन बलबन वो भी गुलाम थे तो गुलाम तो एक तरफ से शासक बन रहे थे और इतिहास में ये एक नया चीज था इसलिए उसको गुलाम वंश कहा गया क्लियर है पर तो स्लेब स्लेब वंश में चार रूलर मेन है याद रखिएगा सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके बाद उनका दामाद और सलेब भी हैं जिनका नाम है शामसुद्दीन अलतुतमिश उसके बाद अलतुतमिश का बेटी रजिया सुल्ताना उसके बाद जो एक शासक जो फेमस है क्रूर शासक जिसको ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से फेमस हैं जो ठीक है तो ये चार शासक जो है मेन है कहाँ पर स्लेब वंश में गुलाम वंश में ठीक है और एटी ईयर तक उन्होंने रूल किया था तो गुलाम वंश के बाद अगला जो अगला जो वंश आया था वो है खिलजी वंश और खिलजी डाइनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1320 दे रूल फॉर ओनली 30 इयर्स देख सकते हो आप खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 दे रूल फॉर ओनली थर्टी ईयर्स तीस साल तक और तीस साल में से खिलजी वंश में एक ही रूलर मेन है वो है अलाउद्दीन खिलजी कौन है वो है अलाउद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी अकेले ही रूल किए थे ऑलमोस्ट ट्वेंटी ईयर्स तो आप देख सकते हो कि तीस साल के अंदर ऑलमोस्ट ट्वेंटी ईयर्स तो अलाउद्दीन खिलजी खुद ही रूल किए थे उसमें कोई और इम्पोर्टेंट शासक है ही नहीं ठीक है खिलजी वंश के बाद जो है तुगलक डायनेस्टी तुगलक वंश तुगलक वंश और तुगलक डायनेस्टी थर्टीन ट्वेंटी से लेकर 1414 फोर्टीन दे रूल फॉर 94 इयर्स कितना साल तक सबसे ज्यादा टाइम तक रूल करने वाले जो शासक हैं सबसे लंबा टाइम तक रूल करने वाले शासक शासक हैं या फिर जो डायनेस्टी है जो वंश है वो है तुगलक वंश और तुगलक वंश में दो रूलर मेन है एक है मोहम्मद बिन तुगलक जिसको जो है इतिहास जो है सन की पागल मेंटल या पढ़ा लिखा मूर्ख एक बार यूपीएससी में एग्जाम में आया था कि किसको जो है पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख मतलब वो पढ़े लिखे भी थे और मूर्ख जैसा काम भी करते थे तो मोहम्मद बिन तुगलक जिनको पागल भी कहा जाता है और मतलब और उसके बाद जो है उनका जो चचेरा भाई जो है फिरोज सात तुगलक कौन है फिरोज सात तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज सात तुगलक ये दोनों जो है तुगलक वंश के मेन शासक हैं तुगलक वंश के बाद आता है सैयद डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1414 वन वन 1414 से लेकर 1450 51 दे रूल फॉर ओनली 37 इयर्स ओनली 37 ईयर और मैं बता दूं जितने भी जैसे कि पांच वंश में से सायद वंश एक ऐसा वंश था जिसके मतलब इतना हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर चार रूलर थे और चार के चार रूलर जो है कमजोर शासक थे वीक रूलर थे कमजोर शासक थे हिस्टोरिकली इतना कोई अचीवमेंट उन्होंने हिस्टोरिकली कोई अचीवमेंट नहीं था उनका या फिर किसी भी प्रकार का इतिहास में उन्होंने दर्ज नहीं करवाया अपना नाम सही से मतलब और बहुत कम एरिया में उन्होंने शासन किया और इतिहास का कोई ऐसा बड़े लेवल पे मोन्यूमेंट्स उनके टाइम पे नहीं हुआ बड़े लेवल पे वार नहीं हुआ

तुर्क्स तुर्कस का मतलब है तुर्की नहीं होता है, ध्यान रखिएगा तुर्क्स का मतलब है पूरा जो है एशियन एरिया साउथ साउथ एशियन एरिया को तुर्कस कहा गया है ठीक है तो तुर्क से आए थे और लोधी जो है अफगानिस्तान से आए थे ध्यान रखना लोधी वंश केबल जो है अफगानिस्तान से आए थे लोधी 1451 से लेकर 1526 ट्वेंटी रूल फॉर सेवेंटी फाइव ईयर्स दे रूल फॉर सेवेंटी फाइव जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम तक लॉन्गेस्ट रूलर कौन है तुगलक है रूल फॉर द 94 फोर ईयर्स सबसे लंबा टाइम तक तुगलक है थर्टीन ट्वेंटी से लेकर फोर्टीन फोर्टी नाइनटी फोर ईयर्स तो सबसे लंबा टाइम तक रूल करने वाले जो शासक है वो है तुगलक वंश और मैंने बताया था सबसे शॉर्टेस्ट सबसे कम टाइम तक शासन जो करने वाले हैं वो है खिलजी खिलजी डायनेस्टी दे रूल फॉर ओनली थर्टी ईयर्स खिलजी दे रूल फॉर ओनली थर्टी ईयर उसमें से भी मतलब अलाउद्दीन खिलजी अकेले ही ट्वेंटी ईयर्स रूल किए थे ठीक है और एक चीज मैंने बताया था कि जितने भी डायनेस्टी हैं स्लेब हैं खिलजी हैं तुगलक हैं सैयद हैं जितने भी डायनेस्टी हैं स्लेब डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी सैद डायनेस्टी ये सब कहाँ से थे तुर्क और जिनको तुर्किस भी कहा जाता है बट केवल जो है लोधी डायनेस्टी ओनली लोधी डायनेस्टी फ्रॉम द अफगानिस्तान ओनली लोधी डायनेस्टी फ्रॉम द अफगानिस्तान लोधी डायनेस्टी कहाँ से था लोधी डायनेस्टी फ्रॉम अफगानिस्तान ओनली लोधी ध्यान रखिएगा यहाँ पर तो यहाँ पर याद रखने वाला चीज है स्लेब खिलजी तुगलक एंड सैयद जो है तुर्क थे तुर्क्स थे और तुर्किस और केवल लोधी जो है अफगानिस्तान से थे क्लियर है और सबसे लंबा टाइम तक रूल करने वाले जो शासक हैं मतलब जो डायनेस्टी है वो है तुगलक डायनेस्टी 94 फोर ईयर्स सबसे शॉर्टेस्ट जो है खिलजी 30 ईयर ये चीजें जो है याद रखिएगा क्लियर है ये चीजें जो है याद रखना दिल्ली सल्तनत के बारे में बट उंड डिस्कसिंग अबाउट दिल्ली सल्तनत दिल्ली सुल्तान के पहले बात करने से पहले मैं जो है उनके बारे में उनका जो बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सुल्तानत में बताना चाहता हूं लेटमी डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सुल्तानत बैकग्राउंड ऑफ द दिल्ली सुल्तान उसके बाद जो है मैं सारे बंस के बारे में डिटेल में बात करूंगा स्लेब खिलजी तुगलक सैयद एंड लोधी सबके बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगा बट उससे पहले मैं बैकग्राउंड डिस्कस कर लेता हूं कि दिल्ली सल्तनत का क्रिएट कैसे हुआ था, किस तरह से दिल्ली सल्तनत हुआ तो सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत का शुरुआत कैसे हुआ बैकग्राउंड ठीक है ऑफ द दिल्ली सल्तनत ठीक है देखो दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड में सबसे फर्स्ट इन्वेशन जो हुआ था फर्स्ट इन्वेशन हुआ था मतलब फर्स्ट इन्वेशन का मतलब क्या है अटैक रेड और टेक ओवर जो है 712 हंड्रेड एडी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला इन्वेशन फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन कब हुआ था इन्वेशन का मतलब है अटैक रेड और टेकओवर तो फर्स्ट किसके द्वारा हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कौन सा ईयर में 712 में 712 में और उन्होंने कैप्चर किया था सिंध को किसको कैप्चर किया था उन्होंने कैप्चर किया था सिंध को एंड वो बाद में माइड खिलाफत बन गया खिलाफत का प्रांत बन गया ठीक है तो ध्यान रखिएगा यहां पर सबसे पहले जो मुस्लिम इन्वेजन 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 मतलब जिसने इन्वेड किए थे जिसने इन्वेड किए थे और अटैक किए थे और टेक ओवर किए थे उनका नाम है मोहम्मद बिन काशिम और वो 712 हंड्रेड ट्वेल्व में एडी में कैप्चर किए थे कहां पे सिंध कैप्चर किए थे कहाँ पे सिंध एंड व्हिच बिकम द प्रोविंसेस ऑफ ओमायड खिलाफत जो कि प्रोविंसेस है ओमायड खिलाफत का ठीक है ध्यान रखिएगा ये चीजें तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन कासिब ने 712 हंड्रेड में भारत पर पहला हमला किया था और सिंध पर कब्जा कर लिया जो ओमायड खिलाफत का प्रांत बन गया क्या बन गया ओमायड खिलाफत का प्रांत बन गया क्लियर है पॉइंट ये शुरुआत होती है उसके बाद जो है फर्स्ट देखो यहां पर क्या है फर्स्ट जो है मुस्लिम इन्वेशन की बात हो रही है मुस्लिम इन्वेशन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट तुर्क इन्वेशन ठीक है फर्स्ट तुर्क इन्वेजन कौन है ठीक है अगर पूछा जाए तो जिसका नाम है मोहम्मद ऑफ गजनी महमूद अब गजनी एक्चुअली क्या है गजनी जो है जगह का नाम है महमूद उसको कहा जाता है महमूद अब गजनी हालांकि ये इतना फेमस है कि उसको गजनी मतलब उसी रूलर के बारे में माना जाता है पर ध्यान रखिएगा गजनी जो है नाम नहीं है गजनी जो है प्लेस जगह का नाम है बट महमूद अब गजनी के हिसाब से इतना फेमस हुए लोगों को यह लगने लगा कि ये बाकी में नाम है ये कोई जगह नहीं है ठीक है हालांकि गजनी व द कैपिटल उस टाइम पे जो है गजनी एज ए कैपिटल जो प्रेजेंट डे गजनी जो है साउथ काबुल में है प्रेजेंट डे गजनी कहाँ पर है साउथ काबुल में है तो ध्यान रखना इन दर नाइनटीन नाइनटी इन ईयर नाइन हंड्रेड नाइन तुर्किनकोर मोहम्मद गजनी सक्सीडेड हिज फादर एंड ह्यूग एम्पायर द सेंट्रल एशिया मतलब 1998 में 191998 में तुर्की के जो एम्पायर थे मोहम्मद गजनी वो सक्सेसफुल हुए थे और उन्होंने मध्य एशिया सेंट्रल एशिया में अपना जो है अधिपत्य बनाया अप, अपने आप को दबदबा बनाया उसके बाद मैं बता दूं गजनी जो है कैपिटल है उसे गजनी को राजधानी बनाया मतलब महमूद अब गजनी उनको कहा जाता है उन्होंने गजनी को राजधानी बनाया और गजनी आज के डेट में वर्तमान कहाँ पे है गजनी दक्षिण काबुल साउथ काबुल में अवेलेबल है गजनी जो है जगह का नाम है आज के डेट में साउथ काबुल में अवेलेबल है एंड एट द एज व्हेन ही वाज 27 सेवन ईयर ओल्ड द फर्स्ट रूलर टू गेट द टाइटल सुल्तान सुल्तान विच मीन्स द ऑथोरिटी सुल्तान की उपाधि सुल्तान की उपाधि अपने आप को जो दिए थे वो सुल्तान की उपाधि दिए थे अपने आप को जो है सुल्तान की उपाधि देने वाला पहला शासक जिसका अर्थ है प्राधिकरण जिसका अर्थ क्या है प्राधिकरण और ऑथोरिटी यू कैन से तो अपने आप को जो दिए दि दि、थे टाइटल वो है सुल्तान का टाइटल यहां से पड़ी थी सुल्तान का टाइटल मोहम्मद गजनी ने ठीक है और यहां रखना वो सत्रह बार सेवेंटीन टाइम्स सत्रह बार भारत को आक्रमण किया था किस कितने के बीच में इन बिटवीन वन थाउजेंड से लेकर वन थाउजेंड ट्वेंटी के बीच में सेवनियर सेवनटीन टाइम्स सत्रह बार जो है भारत के ऊपर बार बार लगातार उन्होंने आक्रमण किया था लगातार बार बार सेवनटीन टाइम्स उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था यह अलग बात है सत्रह बार अटैक करने के बाद भी उसने जो है कभी भारत के ऊपर रूल नहीं कर पाया अब बात आती है कि रीजन फॉर इन्वेजन टू इंडिया बाय गजनी गजनी ने जो है भारत को जो सत्रवार जो आक्रमण किया था सेवनटीन टाइम्स जो आक्रमण किया था उसका रीजन किया था रीजन एक रीजन नहीं है कई सारे रीजन है सत्रवार आक्रमण करने का सबसे पहला चीज है मतलब भारत जो है मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता था क्या है भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता मतलब दुनिया के जितने अपार संपत्ति थे राजा महाराज के पास करोड़ों संपत्ति था उस टाइम पे हीरा जवाहरात करोड़ों संपत्ति था इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता ये तो अलग बात है पर्तुगीज आए थे डच आए थे देन फ्रेंच आए थे ब्रिटिशर्स ने तो दो साल से ज़्यादा रहा था मतलब तब उन्होंने भारत को पूरा इकोनॉमिकली पूरा लूट के चले गए थे अदरवाइज भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को सोने की चिड़िया तो पहला रीजन क्या था टू एक्मलेट वास्ट अमाउंट ऑफ द वेल्थ दैट एग्जिस्ट इन इंडिया भारत में मौजूद विशाल मात्रा में धन जमा करना मतलब धन भारत जो सोने का चिड़िया था पहला पॉइंट क्या है रीजन रीजन ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है ध्यान रखिएगा ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि रीजन क्या है कि रीजन फॉर इन्वेशन ऑफ इंडिया इंडिया बाय गजनी ने भारत के ऊपर आक्रमण क्यों किया सबसे पहला सबसे बड़ा रीजन क्या है टू अकोमोडेट द वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ क्योंकि भारत जो है सोने की चिड़िया हुआ करता था यहां से संपत्ति लूट के लेना और मैं एक चीज और बता दूं डाउट no वो 17 टाइम्स रूल किया मतलब आक्रमण किया था बट कभी भारत के ऊपर रूल नहीं कर पाया कभी भी भारत के ऊपर रूल नहीं कर पाया ठीक है सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं कि स्प्रेड ऑफ इस्लाम सेकंड पॉइंट जो है दैट इज स्प्रेड ऑफ इस्लाम इस्लाम फैलाओ ठीक है इस्लाम को फैलाना ठीक है अपना धर्म को इस्लाम धर्म को वो पूरी इंडिया में फैलाना चाहता था पूरे मतलब पूरे एशिया में फैलाना चाहता था इन पर्टिकुलर टू साउथ एशिया में अपने इस्लाम को पूरे वर्ल्ड में फैला के इन पर्टिकुलर टू एशिया साउथ एशिया में फैला देता स्प्रेड तो इस्लाम को स्प्रेड करना भी उसका एक मकसद था थर्ड है स्ट्रेंदन हिज किंगडम इन द सेंट्रल एशिया मध्य एशिया में अपने राज्य को मजबूत बनाना थर्ड पॉइंट क्या है जो सेंट्रल एशिया है सबसे पावरफुल अपने किंगडम को मध्य एशिया का सबसे पावरफुल किंगडम बनाता था सेंट्रल एशिया मध्य एशिया में अपने किंगडम को सबसे पावरफुल किंगडम उसको बनाना था उसके बाद जो है और एक चीज उसको पता था कि राजपूत लैक यूनिटी एन नॉट ऑर्गेनाइज जो राजपूत थे उनमें उन, से एकता का अभाव था और वो संगठित भी नहीं थे मतलब एक यूनिटी नहीं था जो राजपूत देखो राजपूत राजपूत जो थे छोटे छोटे थे मतलब छोटा छोटा एरिया था और वो बिखरे हुए थे छोटे छोटे एरिया में रूल करते थे और बिखरे हुए थे आपस में उनका समझौता नहीं था आपस में उसका गठबंधन नहीं था आपस में उसका यूनिटी एकता का अभाव था संगठित नहीं थे एक साथ यूनिटी नहीं थे तो उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया क्या है फोर्थ नंबर पॉइंट पे देखिए कि राजपूत लैक यूनिटी राजपूत वर टू बी द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट मतलब यू कैन से फाइटर दे आर द ग्रेटेस्ट फाइटर बट क्या करें राजपूत लैक द यूनिटी तो राजपूत में एकता का अभाव एवं संगठित नहीं थे उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे तो उसकी और और एक चीज है कि राजपूत किंगडम स्मॉल एंड वैटेड राजपूत के राज्य छोटे और बिखरे हुए थे एक और भी रीजन है कि राजपूत के जो किंगडम थे ट वर स्मॉल एंड स्कैटेड छोटे छोटे थे और बिखरे हुए थे तो उसको उन्होंने मोहम्मद गजनी ने भरपूर फायदा उठाया उस चीज को मोहम्मद गजनी ने भरपूर फायदा इन समरी देखो समरी के हिसाब से मैं बता रहा हूं आप लोगों को ठीक है समरी के हिसाब से सिंपल सी बात है देखो सबसे पहला रीजन क्या था रीजन फॉर इन्वेस्टन इंडिया बाय गजनी टू एकोमोलेट और टेक द वास्ट वेल्थ जो यहां पे जो संपत्ति था उसको लूटना पहला चीज दूसरा पॉइंट में क्या है स्प्रेड इस्लाम इस्लाम को पूरे तरह से फैलाना इन पर्टिकुलर टू साउथन एशिया थर्ड रीजन क्या है देखो स्ट्रेंथन हिज किंगडम इन द सेंट्रल एशिया मध्य एशिया में पूरे अपने साम्राज्य को विस्तार करना ठीक है मजबूत बनाना उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है राजपूत लैक यूनिटी एंड नॉट ऑर्गेनाइज राजपूत में आपस में एकता नहीं था और वो संगठित भी नहीं थे उसके बाद क्या है राजपूत किंगडम वर स्मॉल एंड स्कैटेड राजपूत के राज्य छोटे और बिखरे हुए थे ठीक है देखो मेरा यहां पर आप लोगों का मकसद यह है कि मैं आप लोगों को इंडिया का बेस्ट नोट दूंगा इंडिया का हां हां पूरे इंडिया का बेस्ट नोट दूंगा मेरे टॉपिक में पर्टिकुलरली हिस्ट्री और पॉलिटी में यहां पर दो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं नॉर्मली मैं हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स भी बट यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री और पॉलिटी और इंडिया का बेस्ट कंटेंट बेस्ट नोट दूंगा दोनों मीडियम में हिंदी और इंग्लिश में ध्यान रखिएगा और मैं पूरी तरह से हर एक चीजों को डिटेल में समझाऊंगा ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ा दिया चला गया बट ये चीज़ें ध्यान रखिएगा मेरा वीडियो जो है यहाँ पर हमेशा नहीं रहने वाला क्योंकि वो पेड कोर्स में चला जाएगा कुछ दिन के बाद बट जब तक है जब तक लाइव है या जब तक वीडियो एग्जिस्ट है तब तक उस वीडियो का फायदा उठाइए और जबरदस्त लिखिए देखो मेरे पढ़ाने के टाइम पे देखो मैं यूट्यूबर तो हूं नहीं और यूट्यूबर बनना भी नहीं चाहता मैं गुरु हूं टीचर हूं शिक्षक हूं और मैं उस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं देखो गुरु और शिक्षक और यूट्यूब में यूट्यूबर में फर्क क्या है एक न्यूज रिपोर्टर में फर्क क्या है न्यूज रिपोर्टर आपको न्यूज बता देता है बता के चली जाती है यूट्यूबर वाले अंडरलाइन करके चले जाते हैं ठीक है वो बताते नहीं है लेकिन एक गुरु एक टीचर एक शिक्षक क्या है आप लोगों के दिमाग में फिट बैठाता है एक चीजों को एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में एक बार एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में एक बार एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में एक बार स्टोरी टेलिंग के मेथड में हर प्रकार से प्रयास करके आपके दिमाग में फिट बैठाने की मैं कोशिश करता हूं ताकि एक बार अगर वीडियोस देखो फिर आपको जिंदगी में इस टॉपिक में वीडियो देखने की जरूरत ना हो और आपका प्रीलिम्स और मेंस में उससे ज्यादा कुछ ना आए आप जो है क्लियर करके आओ ये मेरा मकसद है इसीलिए हर एक टॉपिक को मैं डिटेल में उसके साथ साथ आराम से उसके साथ साथ पूरा प्रॉपर तरीके से जिस तरह से पढ़ाया जाता है ना ऑफलाइन क्लासेस में उस तरीके से पढ़ाता हूँ यूट्यूबर की तरह नहीं पढ़ाता हूँ ध्यान रखिएगा तो मेरे क्लास में हमेशा जब भी आते हो बेटा पेन पेपर लेके आओ पहला चीज कितने लोग लाए हो बेटा बताओ मुझे कितने लोग पेन पेपर है रेजोर हैंड रेजोर हैंड कितने लोगों के पास पेन पेपर अभी है जो लिख रहे हो मेरी बात सब पॉइंट सब लिख रहे हो साथ ही साथ आप लिखते रहो क्योंकि लिख लिखने का मतलब क्या है पता है लिखने का मतलब ये है कि आज अगर लिखोगे तो कल वो नोट्स बन जाएगा आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा आप नहीं लिखोगे खाली बस सुनते रहोगे दिमाग से चला जाएगा क्योंकि जितना ज्यादा आप नोट बनाओगे ना जितना ज्यादा नोट बनाओगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है नोट देखो कोई चीजें आपको पहले पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो वन आवर लगेंगे दूसरी बार उस चीज को पढ़े हो तो आधा घंटा लगेगा तीसरी बार पढ़ रहे हो तो दस मिनट और चौथी बार जब पढ़ते पढ़ते वो एक दो मिनट में कवर हो जाएगा ये क्या है रिवीजन का फायदा है और रिवीजन नहीं करोगे खाली सुनते रहोगे तो सुनते रहो चला जाएगा आप खुद सोचिए छह महीना पहले चार महीना पहले एक साल पहले आपने जो सुना था या देखा था अच्छी चीज कितना याद है बताओ कुछ नहीं याद होगा दिमाग पूरा खाली होगा भूल गए होंगे क्या क्या आपने देखा था लेकिन ये चीजों को आप दिमाग में आप लिखते रहोगे ना साथ ही साथ तब जाके आपको चीजें जो है फायदा हो मुझे हाथ ऐसे ऊपर करके बताइए ऐसे हाथ जो है ऊपर करके बताइए कितने लोगों के पास पेन पेपर साथ में है अभी बिना पेन पेपर मेरे क्लास में आओ मत ठीक है मैं सलमान खान हूँ नहीं कि मेरा शकल देखने आओगे ठीक है ठीक है सिंपल सी बात है बिना पेन और पेपर मेरे क्लास आओ मत ध्यान रखिएगा ठीक है और ये मत सोचो कि ये हम डाउनलोड कर लेंगे और बाद में देखेंगे वैसे वाले भी स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए मुझे ऐसे वाले स्टूडेंट चाहिए जो रि, रिजल्ट ओरिएटेड है रीजल स्पेसिफिक है अपने करियर के लिए सीरियस है वो अभी पढ़ रहे हैं और नोट बना रहे हैं ठीक है अभी पढ़ना नोट बनाने का मतलब है ये आपका इन्वेस्टमेंट है एजुकेशनली आप जैसे कि हम लोग पैसा कमाते हैं हम कहीं प्रॉपर्टी खरीदते हैं कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू नोट बनाना ही आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे जैसे कि आज रिजल्ट आया आप आज रिजल्ट आया कल के डेट में आपका नाम आएगा कल के डेट में आपका रिजल्ट जो है आपका नाम आएगा ध्यान रखिएगा और आप सोचिए ना आप जितने भी टॉपर हैं जितने भी जितने भी टॉपर हैं सबका इंटरव्यू हो रहा है वो सक्सेस स्टोरी सुना रहे हैं और हर जगह अपलोड हो रहा है कितना तारीफ मिल रही है कितना कंग्रेचुलेशन मिल रहा होगा कितना बधाई मिल रही होगी कितना खुशी उनके परिवार उनके माता पिता उनके उनके मतलब पूरा सब लोग कितने खुश हो रहे हैं वो समझ रहे मेरी बात तो यही तो मोटिवेट करेगा आप लोगों को तो ये ये जो है ये मोटिवेशन अपने पास रखिए और मैं उम्मीद करता हूँ पेन, पेपर साथ में लेके जो है लिखते रहिए हिस्ट्री पोलिटिक्स वाला आपको जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी याद रहेंगे समझ में आया जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी और एग्जामिनेशन तक मतलब मान के चलिए कि इस बार एग्जामिनेशन नहीं हुआ अगले साल भी काम में आएगा अगले साल भी नहीं हुआ अगले साल में काम आएगा अगले साल भी नहीं हुआ तो अगले साल में काम आएगा समझ रहे हो लेकिन करंट अफेयर्स का वो चीजें है नहीं एक बार काम आया तो आया नहीं तो अगले साल कुछ नया पढ़ना है कुछ नया चीज बट कर बट हिस्ट्री पॉलिटी में क्या है जो तो 90 परसेंट चीजें जो है सिमिलर है इसलिए मेरा जो सब्जेक्ट है उसको नोट बना के हमेशा रखो देखो बार बार ये चीजें मैं बोलता हूं इसलिए ताकि आप चीजों को सुधर जाओ और रखो ठीक है ना चलिए रीजन फॉर इन्वेशन इंडियन बाय द गजनी ठीक है ना अब देखो अगला जो है गजनी इन्वेशन टू तो इंडिया फ्रॉम वन थाउजेंड से लेकर वन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन तक तो गजनी ने जो इन्वेड किया था गजनी ने जो इन्वेड किया था वो वो देखिए सबसे पहला जो है वन थाउजेंड में उसका फर्स्ट इन्वेशन 1800 में उसका जो है 1800 में उसका फर्स्ट इन्वेशन कहां पर हुआ था मॉडर्न अफगानिस्तान में कहां पर मॉडर्न अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान देखो गजनी का फर्स्ट इन्वेशन 1000 से लेकर 1027 के बीच में 17 टाइम्स गजनी ने जो इन्वेड किया था अटैक किया था भारत के ऊपर इन्वेशन टू इंडिया फॉर द सेवनटीन टाइम्स ये अलग बात है कि उसने कभी रूल नहीं कर पाया था बट सत्रह बार जो है उसने आक्रमण किया था और 1000 थाउजेंड एडी में फर्स्ट इन्वेशन हुआ था वो मॉडर्न अफगानिस्तान में और पाकिस्तान रीजन में एंड पाकिस्तान रीजन में, में. फर्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट भी उसी का फर्स्ट का ही पूछा जाता है ध्यान रखना उसके बाद देखिए जो सेकंड मैं तो लिख रहा हूं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं या कलर चेंज कर रहा हूँ चलिए कलर चेंज कर देता हूँ चलिए हाँ ठीक है दूसरा जो है जो भाटिया भाटिया तीसरा जो है वन थाउजेंड सिक्स जो है मुल्तान मुल्तान ठीक है उसके बाद वन थाउजेंड सेवन में भटिंडा भटिंडा कहाँ पे है भटिंडा इज इन पंजाब भटिंडा इज इन पंजाब वन थाउजेंड इलेवन में पंजाब हिल्स पंजाब हिल्स 1011 में पंजाब हिल्स और 1013 में पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान ध्यान रखिएगा पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड 1013 में ये सब नोट डाउन कर लो पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान 1014 थानेशर थानेशर थानेश्वर थानेश्वर जो है थानेश्वर 1015 जो है कश्मीर 1015 जो है कश्मीर है ध्यान रखिएगा तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं गजनी जो है 1000 से 1027 AD के बीच में 17 टाइम्स सत्रह बार जो है भारत के ऊपर आक्रमण किया था उसमें से सबसे पहला आक्रमण और सबसे आखिरी आक्रमण ज्यादा रेलिवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट तो फर्स्ट आक्रमण वन एडी में किया था कहां पे मॉडर्न अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान पे 1005 में ये नंबर को छोड़ दो नंबर को भूल जाओ ये नंबर को भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और उसके बाद जो है 1005 में भटिया 1006 में मुल्तान 1007 में आपका फटींडा फटींडा दैट इज इन पंजाब 1011 में पंजाब हिल्स उसके बाद 1013 में पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान 1014 में थानेश्वर एंड 1015 में कश्मीर 1015 में कश्मीर उसके बाद देखेंगे हम लोग ठीक है 1018 में मथुरा मथुरा कहाँ पे है यूपी में 1018 में मथुरा आप नंबर को भूल जाइए जो नंबर है ना 9 10 ये सब नंबर को भूल जाइए 1018 में मथुरा 1021 में कनौज यूपी 1021 में कैनोस 1023 में ग्वालियर ग्वालियर और और 2025 ठीक है 2000 ये नंबर को भूल जाए 2000 1023 में ग्वालियर और 1025 में उन्होंने अपना लास्ट अटैक किया था कब किया था 1025 में उन्होंने अपना लास्ट अटैक किया था कहां पे मोहम्मद गजनी अपना लास्ट अटैक जो किया था वो है सोमनाथ टेम्पल पे कहां पे वो है सोमनाथ टेम्पल पे वो शिव मंदिर है गुजरात में सोमनाथ टेम्पल जो है वो है शिव मंदिर है कहां पे गुजरात में ठीक है ध्यान रखिएगा तो यहां पर याद करने वाला चीज है फर्स्ट इन्वेशन फर्स्ट इन्वेशन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान लास्ट इन्वेशन 1025 में 1025 में सोमनाथ टेम्पल दैट इज शिव मंदिर इन गुजरात ध्यान रखिएगा शिव मंदिर इन गुजरात ठीक है और देखो यहां पर जो है एक चीज मैं बता दू द ब्रेव हिंदू राजपूत ट्राई टू डिफेंड द टेम्पल वेन द एनिमी ट्राई टू गेट इंसाइड इट तो यहाँ पर जो हिंदू हिंदू के बीच में और जो मुस्लिम्स के बीच में कह सकते हो हिंदू के बीच में और जो मोहम्मद गजनी के जो शासक थे उसके बीच में जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है टक्कर हुआ था और इसमें हिंदू फॉट वेरी ब्रेफली एंड इनिशियली दे द एनिमीज कुड नॉट डेमेज द टेम्पल इनिशियल स्टेज में एनिमी जो है डेमेज नहीं कर पाए थे हिंदू ने पूरी जोर लगाया था वहाँ मंदिर के जितने भी सेवक थे जितने भी मतलब यू कैन से हिंदू थे उन्होंने पूरा मतलब मोहम्मद गजनी की आर्मी के साथ लड़ाई की थी पूरी मतलब पूरा ऑलमोस्ट जो है तीन दिन तक चला था ये लड़ाई थ्री डेज तक चला था ये लड़ाई ठीक है ऑलमोस्ट तीन दिन तक चला था एंड द थ्री डेज फाइट मोहम्मद गजनी ट्रुप्स सक्सेसफुल इन प्लंडरिंग सोमनाथ टेम्पल Which sacred ideal linga was destroyed. तो to, to, तीन दिन तक जो है जोर शोर से लड़ाई चला था जिसमें उसके बाद जो है उन्होंने जो है सोमनाथ टेम्पल के जो आइडियल है जो मूर्ति है जो लिंग है ठीक है पवित्र मूर्ति एवं लिंग को जो है नष्ट कर दिया था पवित्र मूर्ति जो आइडियल सेक्रेड आइडियल एंड लिंग को जो है नष्ट कर दिया था पवित्र मूर्ति को नष्ट कर दिया था और गजनी लूटेड ऑल दर ऑफ द टेम्पल विच व टाइम वर्थ ऑफ ट्वेंटी मिलियंस डी जितना भी गदनी ने लूटा था वो ऑलमोस्ट जो है ट्वेंटी मिलियन दैट वाज मोर देन एट टाइम्स ऑफ व्हाट ही हैड कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब उसको फर्स्ट इन्वेशन में जितना मिला था उससे आठ <coughs> गुना जो है ज्यादा मिला था फर्स्ट इन्वेशन में जितना मिला था उससे आठ गुना ज्यादा मिला था यू कैन से ट्वेंटी टाइम्स यू कैन से ट्वेंटी टाइम्स ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी मिलियन डिनार आठ गुना ज्यादा था मतलब गदनी ने मंदिर के सभी खजाने को लूट लिया जो उस समय ट्वेंटी मिलियन दिनार के आसपास थे और पहले आक्रमण से उसने जो संग्रह किया था उससे आठ गुना अधिक थे so, सो ये है ट्वेंटी मिलियंस डिनार ठीक है और पहले जो अटैक किया था उससे कितना था आठ गुना जो है ज्यादा था और ध्यान रखना अराउंड फाइव थाउजेंड हिंदूज डाइड इन्वेज़न मतलब कम कम से अंतिम आक्रमण में पांच हजार से ज्यादा हिंदू की मृत्यु हुई थी इसलिए तो गजनी को इतना नफरत किया जाता है इसलिए तो गजनी को हम लोग जो है एक विलन कैरेक्टर के हिसाब से देखते हैं मतलब करीब करीब तीन दिन तक चला था जिसके बाद सोमनाथ टेम्पल को उन्होंने लूट लिए थे और यहाँ के जो सेक्रेड आइडियल है लिंगम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था नष्ट कर दिया था और गजनी जो है जितना लूटे थे $20 था जो कि आठ गुना ज्यादा था फर्स्ट इन्वेशन से और अराउंड फाइव थाउजेंड हिंदू डाइड द लास्ट इन्वेशन दैट्स वाई हिंदू हेट मोहम्मद गजनी महमूद अब गजनी एंड इन ईच इन्वेशन एंड इंडियन डाइनेस्टी कैरियड बैक वास्ट वेल्थ विथ हिम हर एक इन्वेशन में हर एक अटैक में वो वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ जो है इंडिया से लूट के वो ले जाता था लूट के वो ले जाता था ठीक है ना हालांकि अगर मैं बताऊं एक चीज <coughs> की दो हिज इनवेशन डिड नॉट सो एनी सिस्टमेटिक एफोर्ट टू कंकर द सब कंटिनेंट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द तुर्किस रूल इन इंडिया एंड हिज कंक्वेस्ट ओपन द गेट्स ऑफ इंडिया टू बी कंक्वे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट मतलब उनके आक्रमण के माध्यम में उप महाद्वीप को जितने जीतने के लिए कोई भी <coughs> वत व्यस्त प्रयास नहीं, नहीं दिखा मतलब एक एक तरफ से यह कहा, कहा जाए कि, कि उन्होंने भारत में तुर्क शासन की नींव रखी थी मतलब एक तरफ से मतलब बार बार अटैक करने के बाद यहाँ के जितने भी राजा महाराज थे वो कमजोर पड़ गए थे उसके बाद जो है जो नॉर्दर्न फ्रंटियर है नॉर्दर्न साइड है वो कमजोर हो गया था एंड हालांकि टू बी ग्रेट इस्लामिक हीरो ठीक है इस्लाम का मतलब कह कह सकते तो इस्लामी नायक महानायक उनको माना जाता है बट इंडिया वाले उसको पूरी तरह से हेट करते हैं एंड विद गजनी के आक्रमण के बाद भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो गई थी आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो खराब हो गया था और यूग वेल्थ लूटेड आउट ऑफ द दे कंट्री देश से बेशुमार दौलत लूट ली गई और दिस फ्यूचर पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ कंट्री देश के भावी राजनीतिक परिदृश्य प्रभावित तो जाहिर सी बात है इतना इतने सारे इतने सारे सारे इकोनॉमिक इकोनॉमिक मतलब लूटने के बाद का कंडीशन खराब हो गया था ठीक है बेसुमार दौलत जो है लूट के चला गया उसने ठीक है ह्यूज सेटबैक टू इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड ड्यूटी मूर्तियों और मंदिरों की विध्वंस से भारतीय कला वास्तुकला एवं मूर्ति कला को बड़ा झटका मिला था तो एक तरफ से कह सकते हो कि डिमोलिशन ऑफ द आइडल उसके बाद क्या हुआ कि इस हमले के बाद जो है इस्लाम इस्लाम ऑल्सो गेंड ए मेजर फुट होल्ड इन इंडिया जिसकी वजह से इस्लाम जो है भारत को एक तरफ से और ये अटैक के बाद क्या हुआ था स्पेशली स्पेशली इंक्लूस ऑफ द पंजाब एंड अफगानिस्तान इन 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 हिज किंगडम मेड द इंडियन फ्रंटियर वीकर इस इस लगातार हमला के बाद क्या हुआ कि हम का जो फ्रंटियर था हम लोग का जो फ्रंटियर था उसको कमजोर कर दिया जिसकी वजह से अफगान और तुर्की रूलर जो है भारत के जो गंगेटिक प्ले वैली के थ्रू इजीली वो एंटर कर पाए थे इजीली वो एंटर कर पाए थे ठीक है <coughs> हम बापरे बात करते हैं सेकंड तुर्क इन्वेजन मोहम्मद गजनी के बाद अब जो बात करते हैं वो है सेकंड तुर्क इन्वेजन <coughs> सेकंड तुर्क इन्वेजन में देखो मोहम्मद घोरी आता है मोहम्मद गजनी के बाद कौन आता है मोहम्मद महमूद अब घोरी मोहम्मद घोरी आता है और मोहम्मद घोरी <coughs> का जो टाइम पीरियड है इलेवन सेवनटी फाइव से लेकर ट्वेल्व हंड्रेड सिक्स तक मोहम्मद घोरी का जो टाइम पीरियड है इलेवन हंड्रेड सेवनटी फाइव से लेकर ट्वेल्व हंड्रेड सिक्स तक ध्यान रखना एंड मोहम्मद घोरी इनवेडेड इंडिया एंड लेड फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया मतलब एक तरफ से मुस्लिम डोमिनेशन अब तक नहीं था मोहम्मद घोरी भले ही सत्र बार लूटा था बट मोहम्मद घोरी ने कभी जो है भारत के ऊपर रूल नहीं कर पाया था बट मोहम्मद गजनी जो है मोहम्मद गजनी जो 1175 से 126 के बीच में भारत के ऊपर जो मुस्लिम डोमिनेशन का नियम रखा था मुस्लिम फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम डोमिनेशन ही बी कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया क्या है मे बी दंसिडर एज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल ठीक है मतलब मुस्लिम शासक शासक का संस्थापक <clears throat> मुस्लिम शासन का संस्थापक माना जाता है मतलब यू कैन से फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया की मुस्लिम रूल यहां से जो है शुरुआत हुआ था वो कौन है मोहम्मद घोरी <coughs> और <coughs> देखो मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान <coughs> मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो लड़ाई हुई थी क्या है 1191 में बैटल ऑफ तरेन फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन और 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तरेन ठीक है मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो लड़ाई हुई थी पहला का नाम है 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन तरेन कहां पे हरियाणा में है और 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तरेन तो फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन में क्या हुआ था पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद घोरी को पूरी तरह से हरा लिया था क्या हुआ था इलेवन में 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन ध्यान रखिएगा क्या है ये फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन और तरेन कहां पे है हरियाणा में है तरेन कहां पे है हरियाणा में है ठीक है तराई की पहली लड़ाई तराइन की पहली लड़ाई ठीक है फोर्थ बिटवीन मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान किसके बीच में मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान और यहां पर रिजल्ट क्या था कि मोहम्मद <coughs> मोहम्मद घोरी जो है हार गया था मोहम्मद घोरी जो है हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गए थे मतलब पृथ्वीराज चौहान डिफिटेड मोहम्मद घोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ थर इन दर इलेवन में क्लियर है फिर <coughs> देखो रिजल्ट में क्या है पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घोरी ठीक है रिजल्ट में उसके बाद जो है सेकेंड बैटल ऑफ तरेन हुआ था नाइनटीन इलेवन हंड्रेड नाइनटी टू में सेकंड बेटल था ध्यान रखना इलेवन नाइनटी टू में सेकेंड बैटल ऑफ तरेन हरियाणा में दिस वॉज ऑल्सो फॉर्ड बिटवीन मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान सेकेंड बैटल ऑफ तरेन भी जो लड़ाई हुई थी वो भी सेकेंड बैटल ऑफ तरेन जो है एक साल बाद इलेवन हंड्रेड नाइनटी टू में वो भी किसके बीच में पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच में <clears throat> और यहां पर रिजल्ट उल्टा हो गया रिजल्ट क्या हो गया मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान यहां पर रिजल्ट उल्टा हो गया कैसा हो गया कि मोहम्मद घोरी ने मोहम्मद घोरी ने यहां पर क्या हुआ था मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान समझ रहे पृथ्वीराज चौहान बाद, बाद में उनको मार दिया गया था ठीक है सो सो आफ्टर दिस बैटल द किंगडम ऑफ दिल्ली फेल into the द मोहम्मद घोरी तो दिल्ली के जो दिल्ली के जो किंगडम है मोहम्मद घोरी के अंडर आ गया ठीक है दिल्ली का साम्राज्य जो है मोहम्मद घोरी के पास आ गया ये बैटल के बाद और और जिसकी वजह से द बैटल ऑफ इसलिए ग्रेट सिग्निफिकेंस है ध्यान रखिएगा पॉलिटिकल सेंस में कि दिस लेड टू द दस्टाब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम रूलर ओवर द नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ एंड सेवरल सब्ट इसके बाद जो है सबसे पहले नॉर्थ तर, तरेन का लड़ाई इसलिए फेमस है क्योंकि तरेन की लड़ाई के बाद जो है मुस्लिम डोमिनेट करने लगे इंडिया में उसके बाद उसके बाद जो है मुस्लिम डोमिनेट करने लगे इंडिया में सब्सिक्वेंसली द साउथ ऑफ द सेवरल सेंचुरी उसके बाद फिर नॉर्थ से फिर सेंटर आए थे फिर साउथ में आने लगे ठीक है ध्यान रखना ये थी ठीक है थोड़ा सा खांसी आ रहा है थोड़ा सा मुझे पांच मिनट का ब्रेक चाहिए ठीक है जस्ट छोटा सा ब्रेक लूंगा बट बने रहिएगा ठीक है कहीं जाएगा मत <coughs> थोड़ा सा खांसी आ रही है खांसी आ रहा है ठीक है तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं पाँच छः मिनट ठीक है थोड़ा सा अदरक वाली कड़क चाय पी लेता हूँ शायद ठीक हो जाऊँ लेकिन आज मैं टॉपिक टॉपिक ये शुरुआत हुआ है ध्यान रखिएगा आज जो है टॉपिक का शुरुआत हुआ है और इसी बीच में जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जीएस बाय बाईम्स मेहर वहां टेलीग्राम में जुड़ जाइए टेलीग्राम में जुड़ जाइए ठीक है और फिर बिफोर ब्रेक मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोग कितना सुन रहे हो पता चलेगा बताओ रेज योर हैंड जो लोग चाहते हो कि मैं क्वेश्चन अप करूं रेज योर हैंड हाथ ऊपर करिए जो लोग चाहते हो कि मैं क्वेश्चन क्वेश्चन अप करूं रेज योर हैंड रेज योर हैंड हाथ ऊपर करिए जो लोग चाहते हो कि मैं क्वेश्चन अप करूं आप लोग चाहोगे तभी क्वेश्चन अप करूंगा बताइए रेज हैंड इस तरह का रेज हैंड यस यस अनु 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 जो हाथ जिस तरह ऊपर कर रहे हैं ना उस तरह का रेज हैंड यस चलिए बहुत अच्छा चलिए बताइए दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हैं बताओ फटाफट फड़ बताओ <coughs> बताइए दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हैं चार पांच छ और सात आपका ऑप्शन कितने वंश हैं उसके बाद बताइए सीरियली वंश का नाम लिखिए सीरियली चलिए पांच वंश है जैसे कि आपने हाथ ऊपर उठाया ना पांच तो पांच वंश है सीरियली अपना नाम लिखिए सबसे पहला नाम मैं देखूंगा सीरियली कौन सा वंश है <laughs> यस सीरियली अपना नाम लिखिए दिल्ली सल्तनत का जो वंश है जैसे कि स्लेब है खिलजी है लोधी हैं तुगलक हैं सैयद है आपको सीरियली लिखना है मैं ऐसे रेंडमली बोल रहा हूं बट आपको सीरियली लिखना है पांच वंश तो मैं ही बोल देता हूं चलिए स्लेब सीरियली बोलूंगा लेकिन ले, नहीं लेकिन मैं सीरियली नहीं बोलूंगा आपको सीरियली लिखना है सिस्टमेटिक लिखे इसके बाद कौन मैं रेंडमली बोल रहा हूं लोधी खिलजी तुगलक सैयद स्लेब आप लोग लिखिए कौन जो है सबसे पहला कौन जो है सबसे पहला करेक्ट आंसर देता है देखता हूं सलेब खिलजी तुगलक सैयद और लोधी ये है सूर्य चक्रवर्ती फर्स्ट करेक्ट आंसर जो है सूर्य सूर्य चक्रवर्ती वेरी गुड बहुत अच्छा <coughs> सबसे पहले खिलजी है सबसे पहले स्लेब है देन खिलजी है देन सैयद है देन लोधी है बिल्कुल सही बात पांच बंश में से सबसे ज्यादा टाइम तक रूल करने वाला बंश का नाम क्या है डायनेस्टी क्या है और सबसे कम टाइम तक रूल करने वाला डायनेस्टी का नाम क्या है लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी एंड शॉर्टेस्ट रूलिंग डायनेस्टी बताइए लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी एंड शॉर्टेस्ट रूलिंग डायनेस्टी में से कौन सा नाम है बताइए नाइन्टी फोर ईयर्स तक लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी था और थर्टी ईयर्स तक शॉर्टेस्ट रूलिंग डायनेस्टी था यस 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 तुगलक जो है सबसे लॉन्गेस्ट है रूल फॉर 94 फोर ईयर्स और सबसे शॉर्टेस्ट है खिलजी दे ओनली रूल फॉर द थर्टी ईयर्स दे ओनली रूल फॉर द थर्टी ईयर्स अच्छा उसमें से बताइए पांच में से कौन सा ऐसा वंश था कौन सा ऐसा डायनेस्टी था जो अफगानिस्तान से आया था और कौन से चार ऐसे डायनेस्टी थे जो कि तुर्क से आए थे बताइए फिर से बताइए कौन सा ऐसा एक डायनेस्टी था जो कि जो कि अफगानिस्तान से आया था और कौन से ऐसे चार डायनेस्टी थे जो कि तुर्क से आए थे यस अफगानिस्तान से आने वाला जो डायनेस्टी है वो है लोदी और तुर्क से जो आए थे वो बाकी चार सलेब खिलजी तुगलक एन सैयद है ना मोहम्मद गजनी ने कितने बार जो है भारत के ऊपर आक्रमण किया हाउ मेनी टाइम्स मोहम्मद गजनी अटैक ओवर इंडिया मोहम्मद गजनी ने कितने बार जो है भारत के ऊपर आक्रमण किया कितने बार आक्रमण किया था और उसका फर्स्ट अटैक कहां पे था और उसका लास्ट अटैक कहां पे था मोहम्मद गजनी ने सत्रह बार भारत के ऊपर आक्रमण किया फर्स्ट जो है मॉडर्न अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान और लास्ट जो है सोमनाथ टेम्पल शिव मंदिर गुजरात है ना <coughs> और फर्स्ट बैटल फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन कब हुआ था किसके बीच में हुआ था और उसका रिजल्ट क्या था उसके बाद जो है सेकेंड बैटल ऑफ तरेन कौन सा ईयर में हुआ था किसके बीच में हुआ था और विनर कौन था बताइए फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन और तरेन कहाँ पे है बताइए ये भी बताइए तरेन फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन किसके बीच में हुआ था कब हुआ था विनर कौन था सेकेंड बैटल ऑफ तरेन किसके बीच में हुआ था कब हुआ था और विनर कौन था यस yes, 1911 सॉरी 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुआ था पृथ्वीराज चौहान एंड किसके बीच में मोहम्मद घोरी के बीच में जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराए थे और तरेन है हरियाणा में और सेकंड बैटल ऑफ तरेन एक साल के बाद 1192 में हुआ था दैट वाज सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद घोरी से हार गए थे है ना जिसकी वजह से उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का मतलब मुस्लिम्स डोमिनेशन का नीम रखा था हालांकि गजनी ने सत्रह बार जो अटैक किया था उन्होंने कभी रूल नहीं कर पाया ठीक है तो हाँ अब जो है मैं पांच मिनट का ब्रेक लेता हूँ अब जो है मैं पांच मिनट का ब्रेक लेता हूँ ठीक है ना बट आप लोग जाइएगा मत ठीक है आज लंबा क्लास होगा बेटा आज लंबा क्लास होगा ठीक है और एक डेढ़ घंटा मैं क्लास लूंगा और आज का जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत है उसका तो मैंने शुरुआत नहीं किया है अब तक ये सारे बैकग्राउंड में बता रहा हूँ और दिल्ली सल्तनत के सारे रूलर के बारे में आज जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा आज लंबा क्लास और है डेढ़ घंटे का और क्लास है ठीक है तो लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए बी बैक इन फाइव मिनट्स बना रहे बना रहेगा Thank uh you. -oh. आ रहा हूं बच्चे आ रहा हूं जस्ट गिव मी वन मिनट हाँ, हाँ बच्चो चलो आ जाओ फटाफट हा चलिए हा उसके बाद देखो जो तो चीजें हैं नेक्स्ट है रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द तुर्क इन इंडिया क्या है रीजन फॉर सक्सेस सक्सेस ऑफ तुर्क तुर्क इन इंडिया ठीक है, तुर्क, तुर्क है? <laughs> क्या कारण था कि तुर्क जो है इतना सक्सेसफुल हुए थे वही चीजें जो मैंने आप लोगों से अभी जो बात कर रहा था ठीक है वॉट द रीजन ऑफ इन्वेशन ऑफ द गजनी गजनी टू इंडिया जो है गजनी जो है क्यों इन्वेट किया था इंडिया में ठीक है वही चीजें हैं यहां पर राजपूत लैक यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है राजपूत लेक यूनिटी लैक यूनिटी यूनिटी राजपूत जो जो है है आपस में एकता नहीं था और संगठित नहीं थे उसके साथ साथ नो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का जो है सरकार नहीं था मतलब सेंट्रल केंद्र सरकार नहीं था नो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ साथ राजपूत किंगडम वैटेड राजपूत के जो किंगडम थे वो छोटे छोटे थे और बिखरे हुए थे राजपूत के जो किंगडम थे वो छोटे छोटे थे और बिखरे हुए थे राजपूत किंगडम वर स्मॉल एंड स्कैटर्ड ठीक है उसके साथ साथ देखो द तुर्क वर तुर्क वर बेटर ऑर्गेनाइज एंड टूक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द राजपूत ठीक है लैक ऑफ द वर द बेटर ऑर्गेनाइजर ठीक है तुर्क जो है बेटर ऑर्गेनाइज्ड थे ऑर्गेनाइजर थे उसके साथ साथ जो आपस में जो चीजें नहीं बन रहा था कि e, मतलब जो म्यूचुअल कोऑपरेशन से मंगल राजपूत टुक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एमंग राजपूत ठीक है देन <coughs> उसके साथ साथ देखो दिस आर द रीजन दिस आर द रीजन दैट भारत में तुर्क जो है इतना सफल हुए थे थी, ठीक है अब देखिए पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत जो मैंने बताया था आप लोगों को पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत में फिर से मैं बता देता हूँ दोज आर द न्यू इन द क्लासेस ठीक है सबसे पहले जो आया था दिल्ली सुल्तान को पांच भाग में डिवाइड किया गया था क्या है दिल्ली सुल्तान को पांच भाग में डिवाइड किया गया था पांच पार्ट में देखो बच्चे बेट, बेटा अननेसेसरी चैट वगैरह बंद कर दो आप क्लास पे फोकस करो ठीक है आप क्लास पे फोकस करो अननेसेसरी जो टॉपिक से इिलेवेंट है ठीक है मैं जब बोलूं जो जब क्वेश्चन पुट अप करूं आप लोग आंसर दीजिए अदरवाइज चैट अननेसेसरी चैट वगैरह से बचिए और जो सीरियस स्टूडेंट है क्लास पे फोकस करिए चैट पे ध्यान मत दीजिए ठीक है ना चैट पे ध्यान दोगे तो अननेसेसरी आप लोगों का टाइम वेस्टेज होगा तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो मेरे क्लास में ठीक है चलिए आप कंसंट्रेट करते हैं क्लास पे आप लोग भी कंसंट्रेट करिए पेन पेपर मैंने बताया था ना पेन पेपर लेके चलिए साथ में ठीक है सो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो है स्लेब डायनेस्टी स्लेब डायनेस्टी जो है 1206 से लेकर 1290 तक रूल फॉर 84 इयर्स मैंने बताया था आप लोगों को स्लेब डायनेस्टी के बाद जो है खिलजी बंश 1290 से लेकर 1320 तक द रूल फॉर 30 इयर्स सबसे कम टाइम तक रूल करने वाले जो है खिलजी हैं उसके बाद जो है तुगलक डायनेस्टी थर्टीन से लेकर फोर्टीन द रूल फॉर नाइन्टी फोर सबसे ज्यादा टाइम तक रूल करने वाले जो है तुगलक हैं उसके बाद जो है सैयद डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी फोर्टीन फो से लेकर 1451 फिफ्टी वन थर्टी तक उसके बाद जो है लोधी डायनेस्टी 1451 फिफ्टी वन से लेकर फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स तक फिफ्टीन सिक्स तक दे रूल फॉर सेवेंटी फ़ाइव ठीक है दे रूल फ़ॉर सेवेंटी फ़ाइव क्लियर है अपन उसके साथ साथ जो लॉन्गेस्ट की हम लोग बात कर रहे थे वो है तुगलक डायनेस्टी और जो की बात करें थे वो है खिलजी जितने भी थे, खिलजी, तुगलक, ये सब जो है कहां से थे तुर्क थे, थे और लोधी डायनेस्टी जो है अफगानिस्तान से था लोधी कहां से थे वो है अफगानिस्तान से थे क्लियर है अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो है स्लेब डायनेस्टी की बात करेंगे सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे स्लेब वंश आज का जो टॉपिक है स्लेव डायनेस्टी का हम लोग बात करेंगे वो भी डिटेल में बात करेंगे ठीक है ना चलो स्लेव डायनेस्टी देखिए स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 एडी तक ठीक है स्लेब वंश जिसको गुलाम वंश कहा जाता है अब पहला चीज समझिए उसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है व्हाई स्लेब वंश दिस इज नोन एज स्लेबर डायनेस्टी और गुलाम डायनेस्टी सबसे पहला चीज मैं बताना चाहूंगा उसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है ठीक है देखो पहला चीज तो है उसके रूलर सब देख लीजिए एक बार ठीक है उसके बाद मैं इस टॉपिक पे आते हैं ठीक है उसके रूलर आप देखोगे तो सबसे पहला है फर्स्ट में आएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक स्लेब थे मोहम्मद घोरी के मोहम्मद घोरी जो अंतिम शासक मतलब तो यू कैन से मोहम्मद घोरी जो थे दिल्ली सुल्तान से पहले मोहम्मद घोरी का जो स्लेब थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक है और मोहम्मद घोरी जाने के बाद 1206 में उन्होंने दिल्ली को कैप्चर करके दिल्ली में अपना अपने आप को सुल्तान के हिसाब से घोषित कर दिया था फिर वो 1206 से लेकर 1210 तक फोर ईयर्स तक वो शासन संभाले थे उसके बाद उनका ही दामाद और वो भी स्लेब भी था उनका नाम है शामशुद्दीन इलतुतमिश आए थे जिनका समय काल जो है ट्वेंटी फाइव ईयर्स सबसे ज्यादा टाइम तक रूल करने वाले जो शासक हैं वो है शामसुद्दीन इलतुत्मिश ट्वेल्व हंड्रेड इलेवन से लेकर ट्वेल्व हंड्रेड थर्टी सिक्स तक ही रूल फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स उसके बाद आए थे रुकुद्दीन रुकुद्दीन जो है शाम सुद्दीन अल्तुत्मिश का बेटा है रुकुद्दीन ट्वेल्व थर्टी सिक्स कुछ ही महीना वो रूल कर पाए थे एक साल भी नहीं कर पाए थे <coughs> कुछ ही महीना रूल कर पाए थे उसके बाद जो है मतलब रजिया सुल्ताना रजिया सुल्ताना सिवा तो फर्स्ट एंड लास्ट ध्यान रखिएगा सिवा तो फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम लेडी रूलर रूल ओवर इंडिया फर्स्ट भी हैं और लास्ट भी यहाँ तक कोई महिला शासक जो है भारत के ऊपर रूल नहीं किए हैं तो रजिया सुल्ताना 1236 से लेकर 1240 तक सी रूल फॉर फोर इयर्स रजिया सुल्ताना के बाद जो है बहरम साह बहरम साह ट्रेड से लेकर ट्वेल्व तक ही रूल फॉर टू ईयर्स वो इतने इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है उसके बाद आते हैं मसूद शाह वो भी इतने रूलर अच्छे रूलर नहीं है चार साल तक रूल किए थे 1242 से लेकर 1246 तक उसके बाद जो है नशरुद्दीन महमूद नसरुद्दीन महमूद का जो टाइम पीरियड है 20 साल तक जरूर रूल किए थे बट इतने रेलिवेंट रूलर नहीं है 1246 से लेकर 1266 बट पर ध्यान रखिएगा आफ्टर नशरुद्दीन महमद जो सबसे ग्रेट रूलर ग्रेट तो नहीं कहूँगा सबसे खूंखार कहूंगा खूंखार रूलर जो आए थे जिनका नाम है ग्यासुद्दीन बलबन क्या नाम है जिनका नाम है ग्यासुद्दीन बलबन जो 21 साल तक रूल किए थे 1266 से लेकर 1287 सेवन ईयर्स तक उसके बाद जो अंतिम शासक उसके बाद जो अंतिम शासक हैं अंतिम शासक हैं अंतिम शासक है जिनका नाम है कैकुआ 1287 से लेकर 1290 एंड द रूल फॉर द टू थ्री और उसमें से देखिए सबसे लॉन्गेस्ट स्लेब डायनेस्टी के रूलर है इलतुतमिश रूल फॉर 25 फाइव और सबसे कम टाइम तक जो है रुक वो भी इलतुतमिश का ही बेटा है कुछ महीना ही रूल किए थे एक साल भी नहीं कर पाए थे कुछ महीना ही रूल किए थे एक साल नहीं कर पाए थे क्लियर है पॉइंट <laughs> ये आप नोट डाउन कर लीजिए आप नोट डाउन कर लीजिए फिर से मैं बता रहा हूं फर्स्ट जो है कुतुबुद्दीन आइंबक है फर्स्ट जो है कुतुबुद्दीन आइंबक है फर्स्ट कुतुबुद्दीन आइंबक के बाद उसके बाद जो है शामसुद्दीन अलतुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है शामसुद्दीनुतमिश शामसुद्दीन अलतुमिश के बाद जो है रुकुद्दीन रुकुद्दीन के बाद जो है रजिया सुल्ताना रजिया सुल्ताना रजिया सुल्ताना के बाद जो है बहरम साह आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बहरम शाह बहरम शाह के बाद जो है मसूद शाह बहरम शाह के बाद जो है मसूद शाह और उसके बाद जो है मसूद शाह के बाद मसरुद्दीन महमद उसके बाद जो है सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर वो है ग्यासुद्दीन बलबन उसके बाद जो है कैकवाब ठीक है ठीक है चलिए <laughs> तो सबसे कमजोर रूलर जो है वो है कैकुआ कैकुआब भी है और उसके बाद जो है दैट <laughs> इज रुकुदीन है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हो यहाँ पर चार रूलर मेन है ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है चार रूलर मेन है वो है कुतुबुद्दीन अबक शामसुद्दीन अल्तुतमिश रजिया सुल्ताना और ग्यासुद्दीन बलबन ये चार को मैं मार्क कर देता हूँ आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट पॉं, ऑफ व्यू फायदा होगा सबसे जो चार रूलर जो इम्पोर्टेंट है कुतुबुद्दीन अबक उसके बाद जो है शामसुद्दीन अल्तुत्मिश उसके बाद जो है रजिया सुल्ताना उसके बाद जो है ग्यासुद्दीन बलबन बाकी <Cellar> जो रूलर हैं वो इतना ज़रूरी रुक इतना ज़रूरी नहीं है बहरम सा इतना ज़रूरी नहीं है मसूद सा इतना ज़रूरी नहीं है नसीरुद्दीन महमद इतना ज़रूरी नहीं है कैकवाबध को बस इतना याद रखना कि कैकवाबध जो है लास्ट रूलर है स्लेब डायनेस्टी का इसलिए याद रखना कि ये अंतिम शासक है स्लेब डायनेस्टी का हालांकि मैं पढ़ाऊँगा सबके बारे में

सबसे पहला चीज है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेकर 1210 तक उन्होंने जो है रूल किया था कब से कब तक 1206 से लेकर 1210 तक ही रूल फॉर ओनली फोर इयर्स ऐसा नहीं कि बहुत टाइम तक रूल किए थे केवल जो है चार साल तक उन्होंने रूल किया था 1206 से लेकर 1210 तक और ओरिजिनली वो तुर्की थे मतलब तुर्क से थे ओरिजिनली कहां से थे तुर्क से थे और मोहम्मद घोरी का वो स्लेब थे किसका स्लेब मोहम्मद घोरी मोहम्मद घोरी जिनकी वजह से जिनके साथ पृथ्वीराज चौहान का लड़ाई पृथ्वीराज चौहान जी का लड़ाई हुआ था मोहम्मद घोरी दैट इज 1191 एंड 1192 में फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन और सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में क्या हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन और सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में तो ओरिजिनली फ्रॉम द तुर्क और स्लेब ऑफ मोहम्मद घोरी तो मोहम्मद घोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद सेकंड बैटल ऑफ तरेन में उसके बाद क्या होता दिल्ली सुल्तान को अपने अधीन में कर दिया और दिस वाज द तो फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम रूल यही से मुस्लिम रूल का नीम एक तरफ से क्रिएट हुआ था मुस्लिम रूल का शुरुआत हुआ था और उनका जो है स्लेब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था और जैसे ही मोहम्मद घोरी 1206 में भारत छोड़कर चले गए थे उनका डेथ भी हो गया था 1206 में उसके बाद जो उनका स्लेब था कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को जो है सुल्तान घोषित कर दिया अपने आप को जो है सुल्तान घोषित तो पहली बार इतिहास में <coughs> पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा था कि एक स्लेब जो है सुल्तान बन रहा था एक गुलाम जो है राजा बन रहा था सुल्तान बन रहा था इसलिए उसको गुलाम वंश इसलिए उसको स्लेब वंश कहा गया क्लियर है पॉइंट एंड वो स्लेब होने के साथ साथ मोहम्मद घोरी का गवर्नर के हिसाब से भी था मोहम्मद घोरी का गवर्नर के हिसाब से भी था और 1206 में जब मोहम्मद घोरी का डेथ हो गया था उन्होंने अपने आप को मास्टर ऑफ हिंदुस्तान मास्टर ऑफ हिंदुस्तान के हिसाब से अपने आप को घोषित कर दिया ठीक है मास्टर ऑफ हिंदुस्तान मतलब दिल्ली का शासक मतलब पूरी तरह से वो रूलर ऑफ दिल्ली दिल्ली मतलब एक तरफ से आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद ही बिकम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान एंड रूलर ऑफ दिल्ली मोहम्मद घोरी के मृत्यु के बाद वह हिंदुस्तान का स्वामी और दिल्ली का शासक बन गया <coughs> तो हिंदुस्तान का स्वामी एवं दिल्ली का सु, सु, सुल्तान दिल्ली का शासक बन गया ठीक है देन <coughs> उसके बाद देखो उसके बाद देखो 1206 में उन्होंने जो है स्लेब वंश का स्थापना फाउंडर ऑफ द स्लेब डायनेस्टी तो ये पॉइंट सब याद रखिएगा ओरिजिनली कुतुबुद्दीन अबक जो है तुर्की थे तुर्क थे ठीक है स्लेब ऑफ मोहम्मद घोरी मोहम्मद घोरी का स्लेब होने के साथ साथ स्लेब मतलब गुलाम देखो उस टाइम पे स्लेब का मतलब है आ, अगर मान लीजिए किसी को आप स्लेब के हिसाब से खरीद लेते हो तो हमेशा जो है वो आपके लिए काम करेगा आपके खिलाफ नहीं जा सकता आपके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता आप जो बोलोगे मोह मानेगा ठीक है तो कंप्लीटली मतलब इंसान को बेचे जाते थे खरीदे जाते थे ध्यान रखिएगा उस टाइम पे इंसान को बेचे जाते थे और खरीदे जाते थे तो ही वॉज नोन एज स्लेव फॉर दैट स्लेव ठीक है उसके बाद ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज गवर्नर ऑफ मोहम्मद घोरी मोहम्मद घोरी का गवर्नर के हिसाब से भी था और 1206 में जब डेथ हो गया था 1206 में जब मोहम्मद घोरी का डेथ हो गया था उन्हें अपने आप को मास्टर ऑफ हिंदुस्तान और रूलर ऑफ दिल्ली के हिसाब से घोषित कर दिया क्या किया मास्टर ऑफ हिंदुस्तान और रूलर ऑफ दिल्ली मतलब हिं, हिंदुस्तान का स्वामी और दिल्ली का शासक के हिसाब से अपने आप को घोषित किया और 1206 में ही फाउंडर ऑफ द स्लेब डायनेस्टी फाउंडर ऑफ व्हाट स्लेव ने गुलाम वंश का स्थापना हुआ था 1206 में <Gunad> ध्यान रखिएगा तो यहां पर पूछा जाए हु वाज द फाउंडर ठीक है यहां पर पूछा जाए हु वाज द फाउंडर फाउंडर ऑफ स्लेव फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी तो कौन होगा वो है कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी ध्यान रखिएगा ठीक है <laughs> अब देखिए उन्होंने अपने टाइम पे <coughs> उन्होंने अपने टाइम पे दो मस्जिद बनाया था दो मस्जिद बनाया था जिसको दो मस्जिद भी कहा गया है एक है कुतुल इस्लाम जो कि दिल्ली में है और एक है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है ध्यान रखना एक है आधा दिन का झोपड़ा और अढ़ाई दिन का झोपड़ा वो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर राजस्थान में तो उन्होंने अपने टाइम पे दो मस्जिद बनाए थे ध्यान रखना उन्होंने अपने टाइम पे दो मस्जिद बनाए थे <laughs> उन्होंने अपने टाइम पे दो मस्जिद बनाए थे एक है क्वतुल इस्लाम कौतउल इस्लाम जो कहां पे है दिल्ली में है और एक है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर राजस्थान में है ध्यान रखना अजमेर राजस्थान में है आधा दिन का झोपड़ा अढ़ाई दिन का झोपड़ा ठीक है दो मस्जिद उन्होंने बताया था और कौतुल इस्लाम कुतुब मीनार के पास है ध्यान रखना कुतुब मीनार के पास में कौतुल इस्लाम है है और उन्होंने जो कुतुब मीनार भी बनाया था, था किसके याद में एक एक सूफी सेंट थे जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी सेंट थे जिनके याद में उन्होंने कुतुब मीनार बनाया था जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के ठीक है बट ध्यान रखिएगा कि शुरुआत जो है कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे बट उसको जो फिनिश किए थे उनका दामाद और उनका स्लेब वो है में शाम से उद्दीन अलतुत्मेश हालांकि उसका फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर कंस्ट्रक्शन वर्क जो मतलब कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन वर्क किए थे वो है फिरोज सा तुगलक ने क्योंकि उस टाइम पे वो डेमेज हो गया था बट ध्यान रखना सिंपल पूछा जाए कि किसने जो है फाउंडेशन या शुरुआत किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक होंगे किसने जो है फिनिश किए थे वो है इल्तुतमिश होंगे और किसने जो है पूछा जाए कि फोर्थ नंबर एंडोरेज रिकंस्ट्रक्ट किया था वो है फिरोज शाह तुगलक होंगे ध्यान रखना तो यहां पर ध्यान रखने वाला चीज है कि ही बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार ही बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार इन द ऑनर ऑफ सूफी शेंट उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत सूफी संत के सम्मान में कुतुब मीनार दिल्ली में निर्माण की शुरू किया था और सूफी शैन का नाम क्या है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप काकी को याद कर लेना ठीक है काकी ख्वाजा में अगर ऑप्शन रहेगा तो डेफिनेटली क्लिक द राइट ऑप्शन ठीक है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्या नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बट कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाई हिस्सन इलतुतमिश ध्यान रखना बट ध्यान रखिए <coughs> उसको जो है नीम डाले थे उसका जो फाउंडेशन क्रिएट किए थे उसका जो बेसमेंट कुतुब मीनार का जो बेसमेंट जो बनाए थे वो है कुतुबुद्दीन आई बक पर ध्यान रखना उसको फिनिश किए थे उनका जो दामाद है, ठीक है? और उसका ध्यान रखिए फोर्थ एंड फिफ्थ स्टोरेज जो है फिरोज तुगलक ने बनाया था ठीक है तो ये देख सकते हो आप ठीक है क्वतुल इस्लाम दिस इज द पिक्चर ऑफ कौतुल इस्लाम

मतलब ये कह सकते हो कि बहुत एक अच्छे शासक थे ऐसा नहीं कि बुरे शासक थे वो एक बहुत अच्छे शासक थे ठीक है बहुत एक अच्छे शासक थे वो और उनको जो है लाख बक्स कहा जाता है लाख बक्स का मतलब क्या है गिवर ऑफ लैक ऑफ रूपीज लाखों का दान देने वाला लाखों का दान देने वाला लाखों का दाता जिसको कहा जाता है मतलब जिसको उसको उपाधि मिली थी लाख वक्स का उसको उपाधि मिली थी क्योंकि वो लाखों रुपया जो है लोगों को डोनेट करते थे इसलिए उनको ध्यान रखना फॉर हि जेनरोसिटी वो काफी उदार थे जेनरोसिटी का मतलब उदारता के लिए उनको लाख वक्स का जो है उपाधि मिला था मतलब लाख वक्स वेरी जेनरस यू ऑज वेरी मतलब उदार थे लोगों के प्रति जो हेल्प करने के मामले में और वो लाखों रुपया देते थे उसको लाख वक्स कहा गया एंड ऐबक वॉज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग पैटर्नाइजिंग राइटर लाइक ठीक है मतलब ये कह सकते कि एबक जो है विद्या का एक महान संरक्षक और लेखक का लेखक लेखकों का संरक्षक था जैसे कि हसन उल निजामी ऑथर ऑफ ताल उद मशीर ध्यान रखना ताल उल मशीर हसन उल निजामी ऑथर ऑफ ताल उल मशीर एंड फकरुद्दीन फकरुद्दीन जो है और आई आई मुबारक मुबारक मतलब वो चाहे वो मतलब एक तरफ से कह सकते हो कि ज्ञान के मामले में चाहे वो कला के मामले में काहे चाहे वो लेखक के मामले में इट वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड पैटर्नाइज द राइटर मतलब राइटर को भी सम्मान करते थे उनके कला को भी सम्मान करते थे उनके राइटिंग को भी सम्मान करते थे ठीक है तो

मतलब जैसे कि देख पा रहे होंगे से लेकर 1210 तक के चार तक केवल साल उन्होंने रूल किया था ही गुलाम बंस के के थोड़ा सा कुतुब मीनार बारे में हम लोग देख लेते हैं कुछ चीजें आप लोगों को पता भी होगा कुतुब मीनार के बारे में ठीक है ये देख सकते हो कुतुब मीनार ठीक है कितना शानदार है दिल्ली अगर आओगे तो जरूर देखिएगा कुतुब मीनार ठीक है और कुतुब मीनार का जो हाइट है 73 मीटर है है 240 फीट रखना 73 मीटर इक्वल इक्वल टू फोर्टी फीट और इट वॉज एस्टाब्लिस्ड उल इस्लाम मस्क्यू जो क्वत उल इस्लाम मस्जिद है उल इस्लाम मस्जिद है जो हमने अभी डिस्कस किया था उसके साइड में है और उसकी शुरुआत हुआ था 1192 में बाय किसके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था क्लियर है एंड द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान ही ओनली कंस्ट्रक्टेड द बेसमेंट उन्होंने केवल जो है बेसमेंट उन्होंने तहखाने तक का निर्माण किया था मतलब बेसमेंट केवल जो है बेसमेंट क्रिएट किया था बट बाद में इल्तुतमिश ने तीन स्टोरेट जो है कुतुब मीनार में उन्होंने बनाया था देखो अभी जो है फाइव स्टोरेट है देखो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है

कुतुब मीनार कुतुब मीनार में जो है एक तरफ से कह सकते हो कि क्षतिग्रस्त हो गया था डैमेज हो गया था डैमेज हो गया था किसकी वजह से लाइटनिंग एंड थंडर की वजह से बिजली कड़कने की वजह से बिजली गिरने की वजह से लाइटनिंग एंड थंडर की वजह से वो जो है डैमेज हो गया था उसको रिकंस्ट्रक्शन किए थे कौन फिरोज सा तुगलक उसको रिकंस्ट्रक्शन किए थे उसके बाद उसके ऊपर फोर्थ एंड फिफ्थ स्टोरेज जो है फिरोज सा तुगलक बनाए थे तो ध्यान रखना यहाँ पर फोर्थ एंड फिफ्थ स्टोरेज ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय फिरोगलक बट थ्री स्टोरेज तक वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय होम दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई इल्तुत्मिड बायतुत्मिश और बेसमेंट जो किए थे basement that was by, that, that was by तो ध्यान रखने वाला चीज यहां से फिर से बता रहा हूँ कुतुब मीनार का जो बेसमेंट है उसको क्रिएट किए थे कुतुबुद्दीन आइबक ने जो कि सलेब के फाउंडर है उन्हीं के नाम के हिसाब से कुतुब मीनार भी बना है बट उसको तीन स्टोरेज देखे फिनिश किए थे शुरुआत हुआ था देखो 1192 में उसको फिनिश किए थे 12 1220 में बाय इल्तुतमिश बनाए थे उसके बाद फिर से 1369 में जब लाइटनिंग की वजह से मतलब बिजली कड़कने की वजह से डैमेज हो गया था उसको रीबिल्ड किया था फिरोज साह तुगलक ने और फोर्थ एंड फिफ्थ स्टोरेज बनाया था फिरोज साह तुगलक ने क्लियर है पॉइंट इतना याद रखना और कुतुब मीनार जो है कहाँ पे है मेहरोली में है दिल्ली दिल्ली के मेहरोली में है और वो यूनेस्को का पार्ट है यूनेस्को का पार्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ठीक है यूनेस्को का फुल फॉर्म कौन बताएगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है यूनेस्को यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है कहां पे है पेरिस में कहां पे है ये पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में एक चीज और ध्यान रखना उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ज्ञानवर्धक वाली बातें बता देता हूं आप लोग देखो यूएन से यूनेस्को जैसे कि मैंने बताया था पेरिस में है बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का पूछा जाए जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ सारे बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन जो है न्यूयॉर्क में है बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखना वो कहां पे यूएन शब्द है तो ध्यान रखना आंख मुझ कर न्यूयॉर्क में जैसे कि जैसे कि यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनिसेफ यू एन आई सी ई एफ का मतलब क्या है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड जैसे कि यूएनडीपी है यू एनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देन यूनाइटेड नेशन फॉर यूनाइटेड नेशन फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज और यूनाइटेड नेशन फंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट भी एक है तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे जो है आपके जो है यूएन से है सारे जो है न्यूयॉर्क में है ध्यान रखना बाकी यूनेस्को जो है केवल पेरिस में है बाकी यूएनओ यूनिसेफ यू एन डी यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड सेंटर यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड सेंटर ठीक है तो वो भी जो है दैट इज इन न्यूयॉर्क यॉर्क में जितने भी यूएन है न्यू यॉर्क में ध्यान रखिएगा चलिए अब जो है अगला शासक की तरफ आते हैं जिसका नाम है शाम सुन इमिश अल तमश और ये रूल किए थे ऑलमोस्ट जो है ट्वेंटी फाइव इन और लॉन्गेस्ट रूलर ही वॉज कंसिडर टू बी द लॉन्गेस्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत ठीक है जिसको कहा जाता है शुद्धिन, इलतुतमिश और अलतमश, अलतमश कह सकते हो ठीक है तो यहां पर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि वो कौन थे फर्स्ट पर जो इलतुतमिश थे सबसे पहला तो है स्लेब ऑफ कुतुबुद्दीन अबक कौन थे कुतुबुद्दीन अबक के स्लेब थे गुलाम थे हालांकि स्लेब होने के बाद जो है कुतुबुद्दीन अबक के बेटी से शादी किए थे और बेटी से शादी करने के बाद जो है वो शासक बन गए ये मतलब सबसे बड़ी से जो है चढ़ाई है अब देखो गुलाम है मतलब राजा का बेटी से शादी करना उसके बाद जो है शासक बनना कितना बड़ा प्रमोशन है इतना बड़ा प्रमोशन किसी को नहीं मिलता है चलिए मतलब ऊपर से रानी को रानी मिल गई ऊपर से शासक बन गए और क्या चाहिए सलेब से शासक सोचिए उसके बाद जो है ऑक्युपाइड थ्रोन ऑफ दिल्ली इन इलेवन ट्वेंटी आरम बख्श 1211 में आरम बक्स को हटाने और गदी से हटाने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था उन्होंने और उसी दौरान देखो ही मेड दिल्ली एज ए कैपिटल मतलब दिल्ली को उन्होंने जो है राजधानी बनाया था क्या है ही मेड दिल्ली एज ए कैपिटल उन्होंने जो है दिल्ली को जो है राजधानी बनाया था ठीक है इन प्लेस ऑफ लाहौर इन प्लेस ऑफ लाहौर मतलब लाहौर की जगह पे उन्होंने दिल्ली को अपना राजधानी जो है बनाया। किसको बनाया था दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था क्लियर है उसके साथ फाउंडर, फाउंडर, है, है फाउंडर हम कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं बोलेंगे क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है केवल चार साल तक रूल किए थे 1206 से लेकर 1210 तक चार साल तक रूल किए थे बट उन्होंने 25 साल तक पूरा नीम रखा था दिल्ली सुल्तान का दिल्ली सल्तनत का पूरा उन्होंने नीम लगाता था इसलिए रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तनत जो कहा गया है वो शाम सुदीतमिश का और वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट रूलर ये मान सकते हो और उनके टाइम पे एक चीजें था चालीसा जिसको चहल गनी भी कहा जाता है क्या है चालीसा और जिसको चहल गनी भी कहा जाता है मतलब चालीसा का मतलब फोर्टी लोगों का समा, समागम है ग्रुप ऑफ फोर्टी पीपल चालीस का मतलब क्या है ग्रुप ऑफ फोर्टी पीपल्स मतलब जैसे कि <coughs> जैसे कि आज के डेट में प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री के सारे काउंसिल हैं रेलवे मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर एचआरडी मिनिस्टर फिनांस मिनिस्टर ये सब मंत्री हैं प्रधानमंत्री अकेले कुछ भी डिसीजन नहीं लेते हैं अगर फिनांस होता है तो फिनांशियल रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्टर लेते हैं डिफेंस रिलेटेड डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का अलग से मिनिस्टर है वुमेन एम्पावरमेंट का अलग है ठीक है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अलग है तो सबका जो अलग अलग मंत्रालय है उसके हेड जो है प्राइम मिनिस्टर है तो उस तरीके से उस टाइम पे हेड जो है शामसुदीमिश तो थे राजा बट उनके अंडर जो है चालीसा थे और चालीसा जो है पावरफुल थे और चालीसा जो है पावरफुल थे और चालीसा कोई भी चीज अगर राजा को बोलते थे तो राजा उसको मना नहीं करते थे राजा उसको मना नहीं करते थे राजा का मजबूरी था कि चालीसा को मानना राजा का मजबूरी था कि चालीसा को मानना मतलब चालीसा इतना पावरफुल था क्योंकि चालीसा चाहे तो वो राजा बना सकते हैं और चालीसा चाहे तो राजा को वो हटा भी सकते हैं ध्यान रखिएगा इसलिए चालीसा वॉज कंसिडर टू बी दन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ठीक है तो यहां पर देखो

उन्होंने जो है स्लेब ऑफ द थ्रोन इन द ईयर 1211 आफ्टर रिमूविंग आरम, बक्स. आरम बक्स को हटाने के बाद वो शासक बन गए थे और ही मेड दिल्ली कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर उन्होंने जो है दिल्ली को जो है राजधानी बनाया दिल्ली को जो है राजधानी बनाया इन प्लेस ऑफ लाहौर लाहौर के बदले में उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया इसलिए उनको कहा गया एक तरफ से ही वाज द रियल फाउंडर ध्यान रखिएगा ही वाज द रियल फाउंडर ठीक है असली संस्थापक जिसको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तान और दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर ही वॉज वेरी एफिशियंट एंड कैपेबल रूलर ठीक है मतलब बहुत ही कुशल एवं योग्य शासक थे उसके साथ साथ उन्होंने अपने टाइम पे चालीसा मैंने अभी बताया था चालीसा और जिसको चहलगनी चालीसा और चहलगनी ग्रुप ऑफ फोर्टी पीपल्स मैंने बताया था चालीसा सबसे जैसे कि प्रधानमंत्री हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं रेलवे डिफेंस फिनांस अथॉर्टी और प्रधानमंत्री हरेक डिसीजन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेने के बाद करते हैं तो उस प्रकार से उस टाइम पे चालीसा जो है इतना पावरफुल था कि राजा जो है हर एक हर एक फैसला जो है चालीसा को बोलने के बाद ही वो लेते थे तो चालीसा वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल क्लियर है उसके बाद देखो फोर्टी ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ द स्लेव एज एज नोन मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल्स था वो है चालीसा ग्रुप ऑफ फोर्टी पीपल वॉज नोन एज चालीसा जिसमें चालीस लोग थे चालीस लोगों के नाम पे वो बना है चालीसा बना है सिंपल सी बात उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट द पावर ऑफ चालीसा उसके बाद जो है प्रेजेंटली कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब जो मैंने बताया था आप लोगों को समझने के लिए ठीक है उन्होंने जो है दो कॉइन बनाया था उन्होंने दो कॉइन का इंट्रोड्यूस किया था एक एक कॉइन है एक कॉइन है जिनका नाम है टंका और दूसरा कॉइन है जितल उन्होंने अपने टाइम पे दो कॉइंस बनाया था एक का नाम है टंका और एक का नाम है जितल एक है चांदी का है ठीक है टंका इस सिल्वर चांदी का है और जितल जितल ठीक है टंका और जितल ध्यान रखना एक है जो है चांदी का है और एक है तांबे का है एक कॉपर का है कॉपर कॉइन और एक सिल्वर कॉइन जो सिल्वर कॉइन है उसका नाम है टंका और जो कॉपर कॉइन है उसका नाम है जितल का <coughs> उसके बाद बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो है एकता सिस्टम किए थे एकता प्रणाली ठीक है उन्होंने जो है एकता सिस्टम किए थे जिसको कहा जाता है एकता प्रणाली ठीक है जिसका काम था कि मतलब उनका जो आर्मी में एक एक जो है बेहतर रिफॉर्म लाना ठीक है इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो आर्मी में प्रशासन में एक तरफ से सुधार लाना एंड वाज विच वाज नाउ सेंट्रली पेड एंड रिक्रूट मतलब सेंट्रली उसको पेड भी किया जाता था और रिक्रूटमेंट भी उनका सेंट्रली होता था उसके बाद जो है ही कंप्लीटेड कुतुब मीनार कुतुब मीनार को कंप्लीट किए थे कुतुब मीनार को कंप्लीट किए थे स्टार्टेड बाय जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किए थे है ना उसके बाद जो है ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द रेत ऑफ चंगेज खान मतलब चंगेज खान के जो अटैक से उन्होंने बचाया था क्यों बायिंग सेल्ट टू ख्वाजरुद्दीन शाह हु हु चंगेज खान चेजिंग उसका मतलब क्या है देखो ख्वाजरुद्दीन शाह जो है चंगेज खान के साथ मतलब एक तरफ से छत्तीस का आंकड़ा चल रहा था और ख्वाज शाह के पीछे पीछे जो है चिंगज खान आ रहा था ठीक है और जैसे ही चिंगिज खान जो है खतरनाक लुटेरा है खतरनाक खतरनाक पावरफुल लोग है खान तो ख्वाजरम शाह जैसे ही रिक्वेस्ट किया था हमारे जो है शासक आँब, को तो उन्होंने जो है मना कर दिया था इलतुतमिश ने मना कर दिया था कि हम तुम्हें पनाह नहीं दे सकते इंडिया में अगर उन्होंने पनाह दिया होता तो चंगेज खान जो है भारत के ऊपर भी आक्रमण करता तो उन्होंने जानबूझकर क्योंकि उनको पता था कि अगर ख्वादरम शाह को वो पनाह देंगे तो चंगेज खान जो है भारत के ऊपर आक्रमण करेगा इसीलिए उन्होंने ख्वादरम शाह को मना कर दिया कि उन्होंने पनाह नहीं देने उन्होंने सपोर्ट नहीं किया जिसकी वजह से चंगेज खान ने हमें अटैक ही नहीं किया इंडिया के ऊपर अटैक ही नहीं किया ठीक है समझ लो चंगेज खान कौन है मंगोल के लीडर है मंगोल के लिए खतरनाक लीडर हैं खुखार ठीक है तो उन्होंने उसकी वजह से अटैक ही नहीं किया था इसकी वजह से मतलब हम लोग जो है बच गए साथेरी पेट्रोनाइज पेट्रोनाइज ठीक है मिनहाज उल सिराज इन उल सिराज दबेकुत नशेरी ध्यान रखना तबेकुत नोट डाउन कर लीजिए तबेकुत नशेरी क्लियर है पर? तो ये था ये था आपका शासक के बारे में इल्तुतमिश के बारे में अब देखो इल्तुतमिश का बेटा था रुकुद्दीन और उसका एक बेटी भी थी जो कि ज्यादा होनहार थी बेटा से जिनका नाम है रजिया सुल्ताना सच बताओ तो इल्तुमिश इल्तुतमिश खुद चाहते थे कि उनका बेटी जो है शासक बने शासिका बने बेटी जो है रूल करे वो चाहते थे बट उनके वाइफ शाह कान चाहते थे ठीक है कि उनका बेटा रूल करे क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम्स में लड़कियों को जो है थोड़ा सा लड़कियों का जो 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 चीजें हैं थोड़ा सा उनको कम माना जाता था उनको जो उनके अंडर में उनको अगर राजा बना दिया जाए या रानी बना दिया जाए उनके अंडर में जो है जितने भी नॉवेल्स हैं वो काम शायद ना करें इसलिए उन्होंने रुकुद्दीन को चुना और रुकुद्दीन जो है शासक बने थे तो रुकुद्दीन जो है इल्तुतमिश का बेटा था और ही वॉज क्राउंड बाय हर मदर साहतुर कान जो कि आफ्टर डेथ अपीलतुत्मेश 1236 में उनका डेथ हो गया था इルトुत्मेश का तो इルトुत्मेश का डेथ होने के बाद उनका जो बेटा उनका जो बेटा है रुकुद्दीन को उनका मम्मी मतलब इルトुत्मेश की वाइफ साथुरखान ने शासक बनाए थे एंड ही वाज डिपोज्ड बाय रजिया डॉटर ऑफ अपीलतुत्मेश व्हेन ही वाज आउट ऑफ द कैपिटल टू कर्व द लिवेलियन इन द अवध मतलब इसे इल्तुतमिश की बेटी रजिया ने गदी से उतार दिया था जब वह उसके खिलाफ अवध में विद्रोह को रोकने के लिए राजधानी से बाहर था मतलब देखिए मतलब रजिया जब, जब जब जो है इल्तुतमिश की बेटी जो है कौन थी रजिया उन्होंने जो है आउट ऑफ कैपिटल जब चला गया था ठीक है अवध के अगेंस्ट में अवध अवध के अगेंस्ट में आउट ऑफ आउट ऑफ मतलब कैपिटल जब चला गया था उस टाइम पे रजिया जो है सासिका बन गई थी इलतुतमिश रुकुद्दीन को हटाके रजिया जो है सासी का मतलब वन रजिया गॉट अपॉर्चुनिटी तो रजिया जो है सासी का बन गई थी हालांकि रुकुद्दीन जो है एक साल भी नहीं कर पाया था ऑलमोस्ट छ महीना रूल किया था और सबसे कम कम टाइम शासन करने का मतलब एक तरफ से मिनिमम सबसे मिनिमम टाइम जो है रूल किए थे वो है रुकुद्दीन स्लेव में अब आते हैं रजिया सुल्तान रजिया सुल्ताना दिखने में बहुत सुंदर थी कहा जाता है वेरी दिखने में उनके पीछे उनका एक बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे एक गाना आया था ना हिट हुआ था मार्केट में बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे बचपन का प्यार सुने कि नहीं सुन का एक बचपन का प्यार था जिसका नाम है अल्तुनिया पर जब बड़े हुए थे ये दरअसल एक ट्रेंगुलर लव स्टोरी है जो आप लोगों के लाइफ में भी होता है ट्रेंगुलर लव स्टोरी ट्रेंगुलर लव स्टोरी मतलब एक फूल और दो माली वो वाला कहानी है आपने मूवी देखा होगा तो ठीक है ट्रेंगुलर लव स्टोरी समझ रहे हो ना तो बचपन का जो प्यार था अलतुनिया जो कि गवर्नर ऑफ भटिंडा पंजाब के गवर्नर थे बचपन में दोनों में दोस्ती या फिर कह सकते हो मोर देन फ्रेंडशिप या फिर लवर प्रेमी जो भी मान सकते हो दोनों के बीच में सम काइंड ऑफ इंटीमेसी इज दियर मतलब रिलेशनशिप में थे कह सकते हो ठीक है बट जैसे ही बड़े होते गए रजिया ने जो है <laughs> अल्तुनिया को फ्रेंड जोन में रख दी फ्रेंड जोन में ठीक है और फ्रेंड जोन में रखने के बाद उनका एफर स्टार्ट हो गया था से से और कौन है जो है स्लेव है जो स्लेव अब देखो से हो या ना हो लोगों ने जो है चर्चा करना स्टार्ट कर दिया था कि याकूट जो स्लेव है और रानी के बीच में समथिंग इज देयर समथिंग इज फिशियर समथिंग इज देयर चर्चा होने लगा और ये चर्चा जब अल्तुनिया के कान में आ गया कि दोनों के बीच में समथिंग जो स्लेब है रजिया का एंड रजिया सुल्ताना के बीच में तो यहाँ पर जो है, ये जो है है ये एक तरफ से जो है बन गया मतलब एक एक होता है ना वन साइडेड लॉवर तो उसने ठान लिया कि जो है दिल्ली को आक्रमण करना है और सबसे पहले तो याकूट को मारना है तो उन्होंने क्या किया अल्तुनिया ने दिल्ली को आक्रमण अल्तुनिया जो है पंजाब का था का था सबसे पहला काम किया उन्होंने दिल्ली को आक्रमण किया और आक्रमण करते ही याकूट को पहले फर्स्ट जो है याकूट अपने जो दुश्मन है अपना जो कंपिटिटर है उसको पहले मार दिया और रजिया को पकड़ के रजिया सुल्तान को पकड़ के भटिंडा ले आया और चलिए ओके यस 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 चलो हाँ कहाँ पर था मैं हाँ तो अल्तुनिया आके जो है रजिया को रजिया को पकड़ के पंजाब ले गए थे और पंजाब में उन्होंने कंडीशन रखा था ठीक है शादी कर लो या फिर जेल में जाना पड़ेगा तो ऐसे कंडीशन में कोई भी लड़की क्या करेगी शादी करना पसंद करेगी तो दाज सी बात है उन्होंने फिर अलतुनिया और जो है रजिया ने शादी कर ली और उसके बाद वो वापस आ रहे थे दिल्ली में अरे चलो बंद कर ठीक है हाँ सो हाँ, तो फिर जो है अल्तुनिया ने कंडीशन रखा था रजिया के साथ कि मुझसे शादी कर बना तो है जेल में रहना पड़ेगा उस कंडीशन में फिर दोनों शादी कर लिए थे और दोनों वापस आ रहे थे दिल्ली दिल्ली मतलब पंजाब से दिल्ली और बीच में कैथल नाम का एक जगह था और यहाँ पर एक षड्यंत्र हुआ था दोनों के खिलाफ और दोनों का हत्या हो गया था दोनों को मार दिए गए थे ठीक है ये था स्टोरी अबाउट द रजिया सुल्ताना तो रजिया सुल्ताना का जो टाइम पीरियड है 1236 से लेकर 1240 तक रूल फॉर ओनली फोर इयर्स हालांकि वो बहुत फेमस है रूल नो डाउट चार साल तक है बट फेमस है एंड सी वाज द फर्स्ट ध्यान रखिएगा सी वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल इन इंडिया सी वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी ध्यान रखना सी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल इन इंडिया मतलब भारत का वो भा, मतलब वह भारत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी शासन करने वाली पहली और एकमात्र जो है मुस्लिम महिला थी ध्यान रखिएगा ठीक है दो इल्तुतमिस रजिया एज द सक्सेस एज द नोबल प्लेस थ्रोन मतलब इल्तुतमिस चाहते थे क्योंकि उनका उनका बेटी के बारे में उनको पता था वो किस तरह से कितना एफिशिएंट है तो इल्तुतमिश चाहते थे कि रजिया जो है सासी का बने बट उनके जो नोबल्स जो है वो ये चीजें नहीं चाहते थे 1236 में रजिया थ्रों। तो 1236 में क्या था? जो रुकुद्दीन को हटा के रुकुद्दीन को उन्होंने जो है हटा के जो है उन्होंने गद्दी पे बैठ गई मतलब सिंहासन को हथियार लिया और रजिया वॉज पॉपुलर एमंग पीपल बट नॉट एक्सेप्टेबल टू द दोबेल्स एंड थियोलॉजिशियन लोग उसको बहुत समर्थन करते थे बट जो नोबल्स थे जो थियोलॉजिशियन थे उसको जो है थोड़ा सा उनको अलग तरीके से देखते थे इसलिए अलग तरीके से देखते थे कि वो नहीं चाहते थे कि एक, एक मतलब लड़की के अंडर जो है काम करें ठीक है एक तरफ से लड़की के अंडर काम करें ये वाला फीलिंग था मतलब एक तरफ से मे लीगो कह सकते हो वो वाला फीलिंग था देखो आज के डेट में आज का रिजल्ट तो आपने देखा होगा आज का रिजल्ट के बारे में एक चीज बता दूं आज का रिजल्ट का खासियत है कि ये जो नारी सशक्तिकरण है ठीक है पावर, ठीक है, है नारी, नारी शक्ति जो है जिंदाबाद है क्योंकि फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक जो है गर्ल है दिस टाइम फर्स्ट सेकंड, थर्ड इवन फोर्थ रैंक भी मुझे लग रहा है जो गर्ल्स है 25 में से 14 जो है गर्ल्स हैं और 11 जो हैं बॉयज हैं तो लड़कियां जो है नारी पावर है आज के डेट में ठीक है ये तो पुरानी बात हो गई जैसे कि मैंने आज के वीडियो में भी बताया था कि वैदिक काल में ये था वैदिक काल में वैदिक काल में कि सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली एंड डॉटर इज द मिजरी फॉर द फैमिली मतलब सन जो है प्रोटेक्टर है मतलब फैमिली को बचाने वाला और डॉटर जो है दुख का कारण है मिजरी फॉर द फैमिली ये माना जाता था वैदिक काल में बट आज के डेट में देखिए लड़कियां वो सबसे तेज हैं सबसे आगे हैं अब सिविल सर्विस जैसा सबसे टॉफेस्ट एग्जामिनेशन एशिया का सबसे टॉफेस्ट एग्जामिनेशन में नॉट ओनली इंडिया एशिया का सबसे टॉफेस्ट एग्जामिनेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जो है केवल महिलाएं हैं फोर्थ नंबर रैंक भी महिलाएं हैं आउट ऑफ फाइव फोर आर फीमेल आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव फोर्टीन आर फीमेल एंड इलेवन आर बॉयज तो आज के डेट में ये कंडीशन अलग है बट उस टाइम पे रजिया सुल्ताना के अंदर जो प्रजा जो है काम नहीं करना चाहते थे ठीक है और याकूट कौन था याकूट वॉज द स्लेव ऑफ रजिया सुल्ताना है ना याकूट जो है रजिया सुल्ताना का गुलाम था गुलाम जिसके जिसको माना जाता है कि याकूट के साथ भी उनका किसी भी प्रकार का था या नहीं संपर्क मुझे नहीं पता बट लोग जो है चर्चा करने लगे थे और ये मैसेज जो है अल्तुनिया के पास चला गया जो बचपन का प्यार था है ना एंड रिवोल्ट अगेंस्ट रजिया रजिया के खिलाफ जो है बहुत लोग रिवोल्ट किए थे जैसे कि गवर्नर ऑफ मुल्तान गवर्नर ऑफ लाहौर हंसी बडोन ये सब ओपनली रिवोल्ट किए थे रजिया के खिलाफ ठीक है तो बहुत सारे गवर्नर बहुत सारे राजा महाराज जो है रजिया के खिलाफ रिवोल्ट किए थे जिसमें से मुल्तान लाहौर हंसी बडोन ये सब जो है ओपनली रिवोल्ट किए थे एंड अल्तुनिया जो है गवर्नर ऑफ बठिंडा पंजाब रिवोल्ट अगेंस्ट रजिया तो अल्तुनिया ने भी जो है रजिया के खिलाफ जो है रिवोल्ट किया था और रजिया मतलब उस टाइम पे रजिया को पूरी तरह से साथ दिया था याकूट याकूट जो कि उसके बाद जो है फाइनली अल्तुनिया मर्डर याकूट एंड एम्प्रिजन रजिया तो याकूट अल्तुनिया ने जब अटैक किया था ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने बताया था रजिया ठीक है रजिया और एक तरफ है अल्तुनिया और एक तरफ है याकुट याकुट ठीक है ये तो रजिया हो गया ठीक है तो रजिया का ये माना जाता है कि रजनिया रजिया और अल्तुनिया के बीच में बचपन का प्यार ठीक है चाइल्डहुड क्रश और लव और बाद में रजिया का थोड़ा सा ये लोग चर्चा करने लगे थे कि रजिया जो है याकुट के साथ भी किसी भी प्रकार का संपर्क में थी ये माना जाता है किसी ने तो देखा नहीं है ये जो है उस टाइम पे चर्चा हो रहा था तो उसकी वजह से अल्तुनिया ने ही रजिया को आक्रमण कर दिया था

तो जैसे ही वो लोग वापस आ रहे थे पंजाब से दिल्ली बीच में कैथल नाम का एक जगह है हरियाणा में वहां वहां पर यंत्र का शिकार हो गई वहां पर जो है का शिकार हो गया दोनों को मार दिया गया था दोनों को मार दिया गया हालांकि ये डेथ को लेकर कंट्रीबर्सी है कि किसने मारा था किसने मारा, किस मारा था किसी के वो स्योरिटी नहीं है कि किसने मारा था ठीक है <स्थ> उसके बाद जो है रजियानिया आइदर मेरे मार्च

तो वो थर्ड सन ऑफ अलतुतमिश था ब्रदर ऑफ रजिया भी था एंड बहरम साहन लेड आउट ऑफ द फोर्स टू तो राइट टू तो सिस्टर रजिया एंड सक्सेस अपनी बहन रजिया और अल्तुनिया के पराजित करने के लिए बल का नेतृत्व किया और सफल हुआ मतलब पूरी तरह से कहा जाता है कि मतलब जो है बहरम शाह ने ही कोशिश की थी एंड द ट्रूप्स द ट्रूप्सिंग दैम एंड बोध रजिया एंड अल्तुनिया अक्टूबर बोध रजिया और अल्तुनिया को फोर्टीन अक्टूबर ट्वेल्थ फोर्टी में मार दिया गया सम बिलीव दैट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ अल्तुनिया रजिया बिकम द रूलर ऑफ अल्तुनिया कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अल्तुनिया ने रजिया को हेल्प किया था इसीलिए

इमोशनल हट हुआ और उसने जो है अटैक करके उसको जो है इम्प्रिजन बना दिया था बाद में उनसे शादी किया था ठीक है तो यहां तक हम लोग करते हैं आज यहां तक हम लोग करते हैं आज ठीक है ना अगले क्लास में फिर हम लोग शुरुआत करेंगे रजिया के बाद जो है बहरम शाह से हम लोग शुरुआत करेंगे बहरम शाह से हम लोग शुरुआत करेंगे अगले क्लास में ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं ठीक है थैंक यू a नाइस nice day एंड टेक केयर ठीक है आपसे ही जय हिंद टू ऑल ऑफ यू